तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रामाग्ररत्नाकरं प्रेयः स्वेक्षण संसुलज्जितमही जाताक्षिकोणेक्षितं भक्ताशेषमनोभिवाञ्छित चतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमं रामं स्मेर मुखाम्बुजं शुचिमहानीलास्मकान्तिं भजे। प्रत्यूह व्यूहभङ्गं विदधत् उर्वलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवर निकरैस्तूयमानो विमानः रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभित जल निधिर्लोक जिल्लोक मान्यो धन्यो नो मंगलौघं सपदि सकुरुताद् राम शस्त्रास्त्र संघा। ऐश्वर्यं यदपांग संश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्चित्रं चाकुलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्य सीमा चया विद्युत्पुंज समान कांतिरमितक शांति सुपदमे क्षणा दत्तान्नोखिल संपदो जनक जा राम प्रिया सानिशं। दत्तान्नोखिल संपदो जनक जा राम प्रिया सानिशं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुबचन रवि कर निकर।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी बल्लभ सीता राम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री जड़खोर गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री उत्तर काशी बद्री गोधाम की सब संतन की श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की सपरिकर श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान की श्री गंगोत्री धाम की श्री यमुनोत्री धाम की श्री केदारनाथ धाम की श्री बद्रीनाथ धाम की श्री बूढ़े केदार की तुलसी महारानी की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की
सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरा पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम आप सबको परम पवित्र उत्तराखंड की भूमि में उत्तर काशी क्षेत्र में भगवती त्रिभुवन पावनी पतित पावनी श्री भागीरथी गंगा जी के तट पर विराजमान होकर और पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। और इधर आ जाना, और संत आ रहे हैं ना बैठने के लिए, इधर आ जाओ, और इधर पानी भी नहीं दिया, और पास में चाहे आप ऐसे हो जाओ उनको इधर कर देना, उनको संत आ जाओ। नीचे कुछ बिछा लेना है, तुम इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बगल। ठीक। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ के माध्यम से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जहां से पांडे जी आए हैं तीर्थराज प्रयाग की धरती से, वहीं इस ग्रंथ के प्राकट्यकर्ता का आविर्भाव हुआ। भगवान श्री राम ही जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य के रूप में तीर्थराज प्रयाग में ही पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में सुशीला जी की दक्षिण कुक्षी से माघ कृष्ण सप्तमी संबत 1256 से लेके 1356 के बीच में उनका आविर्भाव हुआ। 1300 के बीच में, 1256 ही ज़्यादा हम लोग मानते हैं, कुछ लोग 1300 तक भी मानते हैं, पर हम 1256 ही उनका काल मानते हैं, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, उनके पिता विट्ठल पंत जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, तो वो सब कई ऐतिहासिक काल मिलता नहीं है फिर, इसलिए यही माना जाता है। पुराने संतों के संबंध में सन संबत और इसका संदेह इसलिए बना रहता था कि वो लोग अपने आप तो अपना लिखते नहीं थे कि हमारा इस संबत में जन्म हुआ, तो भगवान का यश गाते थे। आज तो कथावाचकों का परिचय भी एक तरफ कार्ड रहता है भागवत का, रामकथा का, एक तरफ उनका परिचय पत्र रहता है कि वो कहाँ प्रकट हुए, किस सन संबत में प्रकट हुए, कैसी चमत्कारिक स्थिति से जन्मे, ये सब लिखा रहता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे ज़्यादा अंतर नहीं आया, एक मात्रा का अंतर आ गया। पुराने महापुरुष होते थे, संत होते थे, वो अपने को छिपाते थे, अब छपाते हैं। पहले छिपाते थे और अब छपाते हैं, इकार एक मात्रा का अंतर आ गया कलयुग में।
तो श्री रामानंदाचार्य जी जिनके 12 शिष्य हुए, श्री ब्रह्मा जी के अंशावतार श्री अनंतानंदाचार्य जी उनके शिष्य हुए, श्री नारद जी के अंशावतार श्री श्रुसुरानंदाचार्य जी महाराज उनके शिष्य हुए, भगवान शिव के अंशावतार श्री सुखानंदाचार्य जी महाराज उनके शिष्य हुए, श्री सनकादिक भगवान श्री स्वामी नरहरानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए जो रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए, कपिल भगवान श्री योगानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, श्री मनुजी महाराज साक्षात मनुजी महाराज, मनुजी महाराज वे संत पीपाजी के रूप में प्रकट हुए, गागरौनगढ़ के नरेश पीपाजी, पीपाजी की वाणी उनके शब्द भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। कितने हैं उसमें? 15-20 शब्द हैं, 15-20 पद हैं पीपाजी के गुरु ग्रंथ साहब जी में। हाँ, पीपाजी की वाणी, संत पीपाजी भी रामानंदाचार्य जी के शिष्य रहे, और संत पीपाजी का और श्री गुरु नानक देव जी का बहुत भारी संबंध था। श्री कबीरदास जी, रैदास जी, इनसे तो संबंध था ही, पर पीपाजी से बहुत संबंध था। गागरौनगढ़ में जहाँ श्री रामानंद बाग है, पीपाजी की समाधि है, वहाँ आज भी गुफा है जिस गुफा में नानक जी 3 दिन समाधिस्थ रहे। पीपा जी के साथ उनका सत्संग हुआ, उनकी भाव समाधि लग गई, और हमारे सिख समुदाय के भक्तों ने बहुत प्रयास भी किया कि वहाँ हम उस वो भूमि हमें मिले तो हम वहाँ श्री गुरुद्वारा साहब बनावें, लेकिन वो तो पुरातत्व का है, देवस्थान विभाग का है, फिर सरकार ने वहाँ पीपा जी की स्मृति में विशाल मंदिर बनाया है, वो स्थल अभी भी जहाँ नानक जी महाराज विराज है। संत श्री मनु जी महाराज पीपा जी के रूप में प्रकट हुए, और प्रहलाद जी महाराज भक्तराज प्रहलाद श्री संत कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीर साहेब कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भक्तराज प्रहलाद ही कबीरदास जी हैं। श्री जनक जी महाराज, महान योगी श्री जनक जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न श्री जनक जी महाराज, वे श्री भावानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, जो संत ज्ञानेश्वर के पिता थे, उनका नाम था विट्ठल पंत, और जब उन्होंने रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली तो उनका नाम हुआ श्री भावानंदाचार्य। भीष्म जी महाराज, महाभागवत पितामह भीष्म, वो भक्त सेन जी के रूप में प्रकट हुए, सेन भगत जी की वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में है। श्री बलि जी महाराज, महाभागवत श्री बलि जी महाराज, आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य बलि जी, वो राजस्थान की धरती पर जिला टोंक धुवन कला गांव में भक्त धन्ना जाट के रूप में प्रकट हुए, संत धन्ना जी, धन्ना जी की वाणी भी श्री गुरुगुंद साहब जी में है। श्री सुखदेव जी महाराज श्री गालवानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए, और श्री धर्मराज यमराज वे संत रैदास जी के रूप में प्रकट हुए और श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए। ऐसे ये द्वादश महाभागवत उनके प्रधान द्वादश शिष्यों के रूप में हुए। उनमें नारद जी का जो अंशावतार हैं श्री श्रुसुरानंदाचार्य जी महाराज, उन्होंने अपने गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी से 10 प्रश्न पूछे हैं, और उन 10 प्रश्नों का ही उत्तर ये ग्रंथ है। तो भगवान की दया से अब हम बिल्कुल इस ग्रंथ की पूर्णता की ओर ही जा रहे हैं।
श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा से संभवतः एकादशी को यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, निर्जल एकादशी को। तो उनमें इतने प्रश्नों के समाधान हो चुके हैं। तत्त्वम किम किंच जाप्यम परमेह विबुधैर वैष्णवैर ध्यानमिष्टम मुक्तेह किम साधनम सत सुमति मति मतो धर्म एकोस्ति कश्च धर्माणाम वैष्णवास्ते गुरुवर कथिधा लक्षणम किंच तेषां कालक्षेपः किमाप्यम कथमुरुषुभदम कुत्र कार्यो निवासः। तत्व क्या है? उस तत्व में जीव तत्व, प्रकृति, माया तत्व, ब्रह्म तत्व, उसका निरूपण किया गया है। क्या जप करना चाहिए, क्या सुमिरन करना चाहिए, एक प्रश्न ये है, इसका भी निरूपण किया जा चुका है। कौन से स्वरूप का वैष्णवों को ध्यान करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया। मुक्ति का साधन क्या है, इसका भी उत्तर दिया गया। और वस्तुतः एकमात्र धर्म जो जीव को भगवान की सन्निधि प्राप्त कराने वाला, वो परम धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, सनातन धर्म, वो क्या है, उस धर्म के स्वरूप का विवेचन हुआ। और वैष्णवों के धर्मों की व्याख्या हुई, उनके लक्षण क्या हैं, उनकी व्याख्या हुई। ये सब प्रश्न अब तक हो चुके हैं। अब आज जिस प्रश्न का हम उत्तर देने जा रहे हैं, हम क्या श्री रामानंदाचार्य जी इस ग्रंथ के माध्यम से, वो प्रश्न है कालक्षेपः किमाप्यम कथमुरु शुभदं कुत्र कार्यो निवासः। कालक्षेपः किमाप्यम, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ नीचे ठंडा है, वहाँ ऊपर चले जाएं, यदि चढ़ सकती हूँ एक आध सीढ़ी तो चढ़ जाएंगी। वहाँ पीछे में कुर्सी लगा देना, ले जाओ, आराम से ले जाओ। नीचे ठंडा है, ऐसी हाथ जोड़ लो, नीचे गीला हो जाएगा कपड़ा। पीछे चले जाओ, पीछे पीछे जगह भीजो मत कोई भी। उन माता जी को जो ना उतनी दूर चढ़ेंगी, वो उनको थोड़ा तकलीफ है। यदि इस खंभे के पास उनकी कुर्सी लग सके तो यहीं लगा दो, है ना। आप यहीं आ जाएं माता जी, एक कुर्सी लगा दो। देखो बड़ी गंभीर बात है, भक्ति और प्रपत्ति की व्याख्या हुई, भक्ति और भगवत शरणागति की। तो शरणागति साधन सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष साधन है। और शरणागति हो गई, एक बार ही शरणागति होती, और शरणागति हो गई तो उसके लिए फिर अलग से किसी साधन की आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि शरणागति के बाद यदि साधनांतर का आश्रय लिया जाता है, किसी अन्य साधन का आश्रय लिया जाता है, तो शरणागति नष्ट हो जाती है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग साधन हैं, बहुत ध्यान से सुने। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग साधन हैं और भगवान साध्य हैं। किंतु भगवान की शरणागति साधन भी है और भगवान की शरणागति साध्य भी है। भगवान की शरणागति उपाय भी है और भगवान की शरणागति उपेय भी है। इसलिए साधनांतर की वहां अपेक्षा नहीं है। अपने कल्याण के लिए शरणागत भक्त कोई साधन नहीं करता।
क्यों? इसलिए नहीं करता कि जिस क्षण राम जी की शरण हो गया उसी क्षण भवबंधन कट गया, मुक्त हो गया, भगवान को प्राप्त हो गया। अब उसको अपने कल्याण के लिए कुछ करना नहीं है। अरे हम जिसके हो गए हैं कोई चिंता करना हो तो वही करे हमारे बारे में। इसलिए ऊपर उधर चले जाओ ऊपर में। इसलिए शरणागत को अपने संबंध में चिंता करने का भी अधिकार नहीं है। यदि आप चिंता करते हैं कि हमारा क्या होगा और कैसे होगा, बड़े भयंकर विकट परिस्थिति है, अब क्या करें, तो इसका मतलब है कि भगवान की शरणागति का भरोसा आपको नहीं है। अच्छा, हम लोगों के ऊपर कहाँ विपत्ति है बताओ? माला फेरते समय जैसे प्रहलाद जी पे संकट आया कि उनका पिता हिरण्यकश्यपु ही पीछे पड़ गया कि किसी न किसी तरह से प्रहलाद को मैं मार ही दूंगा, ऐसी आफत माला फेरने वाले किसी के ऊपर नहीं आई जैसी प्रहलाद जी पर आई। आग में जलाया, हाथी से कुचलवाया, पत्थर बांध के समुद्र में डुबा, जाने क्या क्या यातना नहीं प्रहलाद जी को दी। लेकिन पूरे प्रहलाद चरित्र को उठाकर देखिए, संपूर्ण प्रहलाद जी के चरित्र में कहीं भी उन्होंने भगवान से यह नहीं कहा रक्ष माम, त्राही माम, पाही माम, प्रभु में आप मेरी रक्षा करो और ये बड़ा दुष्ट है, हमको बहुत सता रहा, कुछ नहीं कहा उन्होंने भगवान से, कुछ नहीं कहा। क्योंकि शरणागति में महाविश्वास होता, प्रहलाद जी को महाविश्वास है, हम जिसके शरणागत हैं सब कुछ उनकी इच्छा के अधीन है और उनकी सभी इच्छाएं मंगलमयी हैं, ये विश्वास है। ठाकुर जी को रक्षा करनी पड़ी, प्रहलाद जी ने नहीं कहा। अच्छा एक बात बताओ, ज्यो ज्यो व्यक्ति समझदार होता है उसको अपनी चिंता, परिवार की चिंता, ये तमाम दुनिया भर की चिंता होती है, और छोटा सा बच्चा जो माँ की गोद में अभी केवल दूध ही पीता है, कुछ नहीं जानता है, बोलना भी नहीं जानता है, उसको कोई चिंता होती है बोलो? उस बच्चे को चिंता नहीं होती है, उसकी माँ को निरंतर चिंता होती है कि भूखा होगा, यों होगा, त्यों, वो माँ चिंता करती है, वो बालक तो मस्त रहता है। ऐसे ही जैसे शिशु अपनी माँ की गोद में निश्चिंत तो होता रहता है, ऐसे ही शरणागति जो है वो भगवान की गोद है, उस गोद को जब जीव प्राप्त कर लेता है तो वो निश्चिंत रहता है। अब एक विशेष बात हो गई, इधर आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ पुरुषोत्तम दास जी, आप इधर आ जाओ, थोड़ा और ऐसे हो जाओ, इधर आ जाओ। अब एक बात ये हो गई विशेष कि शरणागत को किसी साधन की अपेक्षा तो अब रही नहीं, तो अब न कोई आचार विचार रखे, न कोई तिलक लगावे, न तुलसी बांधे, न भजन करे, न पूजा करे, न सेवा करे, क्योंकि ये सब तो अपने कल्याण के लिए किए जाते हैं, ये सब भक्ति के साधन हैं, और अब तो शरणागत हो गया, भगवान जाने अब तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। यदि ऐसी बात किसी की खोपड़ी में घुस जाए तो आप विचार करेंगे उसका जीवन कैसा होगा। न खाने का नियम, न सोने का नियम, न जगने का नियम। तो ऐसा व्यक्ति उसमें शरणागति का भाव भी कब तक सुरक्षित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए जो शरणागति प्राप्त करते ही जीवन मुक्त हो चुके हैं,
ऐसे शरणागतों को अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन अब एक शरणागत को अपना जो इस शरीर का प्रारब्ध है 50 साल भोगने के लिए मिला है कि 100 साल भोगने के लिए मिला है, जितनी उम्र है उतने दिन का प्रारब्ध भोगने के लिए मिला है, तो उतना समय तो उसको जीवित रहना पड़ेगा कि नहीं। तो अब भगवत शरणागति के बाद इस देह के अवसान के एक क्षण पूर्व तक जो समय उसको प्राप्त हुआ है भगवत अनुग्रह से, उस समय को वह कैसे व्यतीत करे, इसी को कहाँ अभी कैसे प्रसाद पा लिया। ठीक है, जय हो गिरिराज बाबा की जय। यहाँ देखो गिरिराज जी कितने रूपों में दर्शन दे रहे हैं, इधर देखो गिरिराज, जिधर नजर घुमाओ वहीं गिरिराज जी। ठीक है, तो कालक्षेप ही मुख्य है। क्या कालक्षेप शब्द का अर्थ क्या है? अपने समय को व्यतीत करना, अपने जो भगवान ने कृपा करके हमें जीवन में समय दिया है उस समय का हम विनियोग कैसे करें। अब देखो उसको अपने अपनी मुक्ति के लिए अपने कल्याण के लिए तो कुछ करना नहीं है, अब जो कुछ करेगा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की घोषणा है, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत। भगवान कह रहे हैं कि एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। आप लोग हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं, अब बैठे हैं तो ये भी तो कर्म है, खड़े हैं ये भी कर्म है, बोले हम तो सो रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, सोना भी कर्म है, आप सुन रहे हैं ये सुनना भी कर्म है, हम बोल रहे हैं ये बोलना भी कर्म है। व्यक्ति सुषुप्ति की अवस्था में होता है और उस समय भी उसकी श्वास चलती है, ये श्वास चलना भी कर्म है, इसलिए नहीं तो इसकी इसकी व्याख्या क्या होगी, नहीं कश्चित् क्षणमपि। सुषुप्ति में यदि वो क्रिया शून्य होता तो क्षणमपि ये शब्द जो है भगवान नहीं कहते, ये शब्द ही व्यर्थ हो जाता, इसलिए किसी काल में किसी अवस्था में व्यक्ति अक्रिय नहीं रहता, हर समय सक्रिय रहता है। अरे ये इंद्रियों की बात तो जाने दीजिए, ये तो दूर की बात है, नसों में धमनियों में हमेशा खून दौड़ता रहता कि नहीं, बोलो 24 घंटे दौड़ता कि नहीं दौड़ता, और रुक जाए तो यही ब्लॉकेज हो जाता है, तो लोग कहते कि अब ये क्या हो गया, स्टेंट डालना पड़ेगा, हार्ट का पूरा रक्त नहीं जा रहा है, कहते हैं ना। तो भीतर भी निरंतर सक्रियता चल रही है, इसलिए महात्माओं को, वैष्णवों को, हरिभक्तों को, साधकों को अपना कालक्षेप कैसे करना चाहिए। साधक के जीवन में चाहे वह विरक्त हो अथवा गृहस्थ, उसके जीवन में विशेष महत्व है उसके कालक्षेप का, और इस कालक्षेप को ही साधुओं की भाषा में रहनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहनी, संतों की रहनी। हमारे हंसवीर सिंह जी ने बताया कि एक महान संत हुए सिख परंपरा में, सारे भारतवर्ष की उन्होंने पैदल यात्रा की नंगे पैर, और वाहेगुरु 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 बस इसी के धुन पर उनके चरण चलते रहे, और जप भी चलता रहा और पैदल भी चलते रहे, सिद्ध हो गए है? संत श्री अतर सिंह जी महाराज, महान सामर्थ्यवान महापुरुष,
दिव्य महापुरुष, उनकी छवि भी आपने हमको दी। सहज उन्मुनि अवस्था में महात्माओं का कालक्षेप, वो कैसे रहते हैं, उनकी रहनी क्या है, ये एक विशेष बात है। कार्यो महात्मभिर नित्यं कालक्षेपो मुमुक्षुभिः परमात्म परैरित्थं वैष्णवैरथ कथ्यते। परमात्म परैः, जो भगवत परायण मुमुक्षु माने संसार चक्र से छूट कर अपने आराध्य श्री सीताराम जी के चरणों में पहुंचने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे वैष्णव महात्माओं के द्वारा जो अपने आराध्य की गोद में पहुंचने के लिए विकल हो रहे हैं, विरह में डूबे हुए हैं, ऐसे जो संत हैं, उन महात्माओं को अपना कालक्षेप कैसे करना चाहिए, उसका निरूपण किया जा रहा है। अब सुन लीजिए, कालक्षेप में सबसे पहले त्रिकाल संध्या की बात आ रही है। श्री रामानंदाचार्य जी कहते हैं, त्रिकाल संध्यादि विधाय शक्तै श्री रामचंद्रम च समर्च्य नित्यम भाष्येण रामायण तो हि काल क्षेपो विधेयोऽपि च भारतेन। बोलो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की। इतना बढ़िया श्लोक है कि हमें तो ये ग्रंथ पूरा करना है, नहीं तो कम से कम दो चार दिन इसी श्लोक की चर्चा होनी चाहिए, इतना विलक्षण ये श्लोक है। शक्तै ही त्रिकाल संध्यादि विधाय, ये एक बहुत अच्छी बात, शक्तै ही ये विशेषण दिया, जिनकी सामर्थ्य है, जिनको अधिकार प्राप्त है, वे वैदिक पद्धति से नियम पूर्वक काल का अतिक्रमण किए बिना निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करें। संध्या क्या है? निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन हम लोगों के साथ देह का धर्म भी जुड़ा हुआ है, खाना पीना सोना मलमूत्र त्याग करना, ये सब भी तो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? और फिर कुछ व्यवहार में भी, कुछ व्यवहारिक जगत में भी कुछ न कुछ व्यवस्था जुटानी पड़ती कि नहीं? हम लोग तो बाबा जी हैं, भगवान के सहारे हैं, और भगवान के सहारे तो ठाकुर जी कहीं न कहीं से व्यवस्था करते हैं। संत दादू दयाल जी ने कहा कि दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़काऊ पैली। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि सारी दुनिया बावरी है, पागल है, इसी चिंता में परेशान है, अरे राम कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और कितने लोग तो ऐसे हैं राम जी के वो इतना अधिक करते हैं कि उनको खाने का भी समय नहीं रहता है, ऐसे भी व्यस्त लोग हैं, दिनों रात लगे हैं, उनको खाने की फुर्सत नहीं, सोने की फुर्सत नहीं। तो दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली कि क्या खाएंगे, अरे तुम राम जी के होके तो देखो, रोटी देसी राम जी, राजस्थानी शब्द है, रोटी देसी राम जी, राम जी रोटी देसी माने राम जी रोटी देंगे, कब देंगे रोटी, तड़काऊ पहली, तड़काऊ पहली माने हाँ 4 बजे के बाद, तुम्हारे तो भले ही संध्या को 4 बजे तुमको ठोर ठिकाना मिले, राम जी के होके तो देखो तड़का होने के पहले, प्रभात के पहले, अरुणोदय के पहले तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी।
शरीर संसार में जो लोग व्यवहार के क्षेत्र में हैं, ध्यान दें, आप किसान हैं तो आपको खेत में समय देना पड़ेगा कि नहीं? संदेशों से खेती नहीं होगी, खेत पर जाना पड़ेगा और खेत पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव कहते थे, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ संवारिए लाख लोग हुए संग। महाराज जी कहते थे खेती अपने हाथ संभालनी चाहिए और पाती माने चिट्ठी अपने हाथ से लिखनी चाहिए। पता नहीं क्या का क्या कौन लिखने वाला लिख दे। बिनती, कोई कहते ना हमारी प्रार्थना कर देना, नहीं ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आप खुद जाके प्रार्थना करो जिससे करनी हो। आप कहें प्रार्थना कर दे, वो हो सकता दो चार बड़ा चढ़ा करके कुछ बुराई कर दे, तब क्या करोगे? और घोड़े की जीन अपने हाथ कसना चाहिए। नौकर को नहीं कहना चाहिए एक ठीक से कस घोड़े की जीन, नौकर ने कस दी फिर भी अपने हाथ से एक बार उसको खींच तान के देखना चाहिए, क्योंकि कसने वाला थोड़ी गिरेगा, कसने वाला गिरेगा। जो सवारी करके घोड़े की जा रहा है, जीन ढीली होगी तो गिरने वाला भी जो मालिक होगा वही गिरेगा, इसलिए घोड़े की तंग भी अपने हाथ से खींचनी चाहिए। तो यदि किसान है तो उसको खेती में समय देना पड़ेगा कि नहीं? और व्यापारी है तो अपने व्यापार में थोड़ा समय देना पड़ेगा कि नहीं? चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, अपने धंधे में समय देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? अच्छा, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, उसमें भी समय देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? संसार के व्यवहार के संपादन के लिए, आपके घर की व्यवस्था के लिए, जो रोजी रोटी भगवान ने आपको दी है, उसमें थोड़ा समय तो आपको निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा समय उसमें निकालोगे और कुछ खाना पीना सोना मलमूत्र त्याग, इसमें भी समय जाएगा। तो अब विचार करो तो समय बचा कितना? रात का समय तो खत्म कर दो, सोने वाला समय तो निकाल दो, अब वो भी जरूरी है। शरीर की स्वस्थता के लिए निद्रा भी आवश्यक है। अब हम अपने बारे में ही विचार करते हैं, अभी पहले तो हम बिल्कुल समय नहीं देते थे शरीर के लिए, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे कितना समय देना पड़ता है, 3 घंटे 4 घंटे इस नाशवान शरीर के लिए ही नष्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, शरीर की आवश्यकता है। समय देना पड़ेगा। अब समय कितना बचा? तो यदि आप ठीक से अपने समय का विभाजन करेंगे तो आपको समय बहुत कम आपके हाथ में रहेगा। उस कम से कम समय में भी संतों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने, हमारे वेदादि शास्त्रों ने 3 समय बता दिए। भाई पूरे समय आप व्यवहार करो चलेगा, लेकिन 3 समय आप जरूर भगवत स्मरण का समय निकालो। उसी को कहते हैं संध्या, त्रिकाल संध्या। क्या कहते हैं? संधि के समय को संध्या कहते हैं। रात्रि व्यतीत हो रही है और दिन आने वाला है, तो दिन और रात के बीच का जो समय है प्रातःकाल का, वो प्रातः संध्या का समय है। रात्रि को संस्कृत भाषा में त्रियामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रियामा, माने 3 याम हैं जिसमें उसको रात्रि कहते हैं। याम क्या है? याम एक माप है, माप तौल है। 3 घंटे का 1 याम होता है। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे में कितने याम होते हैं? 8, 8 तिया 24। इसी को हम लोग
संस्कृत भाषा में अष्टयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 3 घंटे का याम होता है, तो रात्रि जो है वो 3 याम वाली है। 3 याम वाले माने तीन त्रिक 9। सूर्यास्त जैसे ही हुआ कि रात्रि का समय शुरू हो गया। सूर्यास्त के बाद जैसे मान लो 6 बजे सूर्यास्त हुआ, तो 6 बजे से 9 घंटा निकालो कितना हुआ बोलो? हैं, सवेरे 3 बजे हो गया कि नहीं? इसका मतलब है आप सोते भले ही अपनी बदमाशी से या अपनी चतुराई चालाकी से या बहानेबाजी से 8 बजे तक हो, पर ईमानदारी की बात है कि आपको सोने का समय केवल 3 बजे तक बनाया है, और उसमें भी रात्रि में सूर्यास्त के समय नहीं सोना, सूर्यास्त के बाद दीप प्रज्वलित करना है। जब तक रोया दिख रहे हैं तब तक सायं संध्या है, और फिर रोया दिखना अंधेरा हो जाए, बंद हो जाए, तो समझना कि अब रात्रि हो गई है। फिर आप 7-8 बजे अपनी सुविधा से शयन कर जाएं, उसमें ये बाध्यता नहीं कि आप 12 बजे सो, आप 8 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ। और ये सही बात है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति, ठीक आदमी 9 बजे यदि ठीक से सो जाए तो 3 बजे उसको आसन छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। होगी? नहीं होगी। 9 बजे यदि सो जाता है तो 3 बजे आसन छोड़ सकता है। अब हमारे महात्माओं की बात तो अलग है। हमारे श्री हरेराम बाबा जी तो कहते थे, जो हमारे महाराज जी के पास रहे, भगवत प्राप्त संत थे, वो कहते थे कि हमें याद ही नहीं है कि हम कभी अपने पूरे जीवन में 4 घंटे से ज़्यादा सोए हों। सोए नहीं, लेटे, 4 घंटे से अधिक लेटे हों ऐसा हमें स्मरण नहीं। उन संत की एक गुदरी हमारे पास रखी है, फटी पुरानी सी, अब हमने उस पर दूसरा कपड़ा चढ़ा के अपने पास बड़ी जुक्ति से रखा है उसको। उनके गुरुजी की दी हुई वो गुदरी थी उनको। पुराने संत थे, उस जमाने में बहुत कपड़ा नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी कपड़ों की, तो कपड़ा फट जाता था, पुराना हो जाता था, उसी को टुकड़ा टुकड़ा सिल करके और गुदरी बना लेते थे संत। एक गुदरी बिछा लिए, एक गुदरी ओढ़ लिए, न इतने कंबल थे न और कोई ज़्यादा साधन थे। और अब तो कपड़ा नेक पुराना हुआ कि फेंक दिया, फट गया तो फेंक दिया, अब उतनी कीमत नहीं कपड़े की। तो गुरु महाराज ने 2 गुदड़ी दी थी, उसी को ओढ़ के उन्होंने 6-6 करोड़ मंत्राज का जप 2 बार किया, एक बिछाते थे एक ओढ़ते थे, और गुरु महाराज की सेवा करते थे, मंत्र जप करते थे। और जब शरीर से सेवा करते थे उस समय महामंत्र का जप चलता रहता था, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बताते थे बाबा कि हम पूरी तो गौ सेवा करते थे, स्थान में पूरे झाड़ू लगाना, गैया का गोबर फेंकना, गैया को सानी बनाना, 3-4 घंटे की ये हमारी सेवा थी। फिर प्रसाद, एक समय प्रसाद लेना और 8 बजे रात्रि को विश्राम में चले जाना और 12 बजे रात को उठ करके बैठ कर स्नान करके बाद साधन में बैठ जाना। इस तरह से उन्होंने साधन किया, लंबे समय तक साधन किया, और वही अभ्यास उनको हो गया था। तो हमने देखा कि जब वो लेटते थे तो ठीक 12-1 बजे के करीब वो उठ के बैठ जाते, तो जीवन भर का उनका नियम साधन था। वो लेटते थे और जैसे ही 12-1 बजता तो तुरंत उठ के, तो स्नान नहीं करते, स्नान थोड़ी देर से करते थे, वृद्ध शरीर हो गया, लेकिन वो 12-1 बजे के बीच उठ के बैठ जाते थे। और एक विशेष बात है कि संतों का जो साधना का काल होता है प्रायः वही उनके महाप्रयाण का समय होता है। जो संत जिस समय में साधना करते हैं विशेष रूप से, उसी समय में भगवत धाम प्रयाण करते हैं। ये अनेक संतों का हमने देखा है। तो ये भी संभव है। हमारे यहाँ पूज्य श्री परमहंसी महाराज हैं, वो तो 12 मास रात्रि 1:30 बजे उठ करके भजन में लग जाते हैं, अपने परमहंस जी महाराज गौशाला में जो विराजते हैं।
कम से कम हम समझते हैं कि इस साधन को करते करते 50 वर्ष हो गया होगा इसी रहनी से रहते हुए, दिन में सोना नहीं। सात्विकता जितनी बढ़ती चली जाएगी, आहार कम हो जाएगा और निद्रा भी कम हो जाएगी, और शरीर में स्फूर्ति चैतन्यता बनी रहेगी, ये विशेष बात है। सात्विकता जितनी बढ़ती चली जाएगी, सतोगुण। तो सवेरे 3 बजे आप उठ गए तो 3 बजे से लेके सूर्योदय के काल तक का समय आपके प्रातः संध्या का है। उत्तमा तारको पेता, चंद चारे दिखाई पड़ रहे हो आकाश में, उस समय की संध्या उत्तम संध्या है। तो जो जिन्हें वैदिक संध्या का अधिकार है उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक संध्या करनी चाहिए, और जो वैदिक संध्या नहीं कर सकते उनको उस काल में भगवान का स्मरण करके और उस समय को सार्थक करना चाहिए। भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की स्तुति करना, यही उनकी संध्या है। पहले हमने गाँव में देखा है कि शाम के समय गाँव में बड़े बूढ़े अपने अपने दरवाजे पे माला लेके, विशेषकर ब्राह्मणों में, अपने गमछा से, धोती से ऊपर ऊपर वाले गमछा से ढक लिया और संध्या को सब बैठ के माला फेरते थे, और सवेरे तो खैर नहाते धोके सब करते ही थे। अब ऐसे वृद्ध मिलना भी कठिन हो गए हैं जो शाम सवेरे बैठ के माला फेरें, क्योंकि जो शाम सवेरे का माला फेरने का समय वो तो टीवी देखने में चला जाता है, माला कैसे फेरें। वो है प्रातः संध्या का समय। अब मध्याह्न में आप भोजन तो करते हैं कि नहीं, दोपहर में भोजन करते हैं, तो भोजन के अधिकार की सिद्धि के लिए मध्याह्न संध्या है। बहुत ध्यान से सुने, भोजन करने के लायक हम हो जाएं इसके लिए मध्याह्न संध्या है। भले ही आप संक्षिप्त करो लेकिन मध्याह्न संध्या में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साधन करो। मध्याह्न संध्या का, प्रातः संध्या का जो मुख्य मंत्र है उसका अर्थ क्या है? ओम सूर्यस्य मा मन्युस्य मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकार्षम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिशना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच द्रुतम मयि इदमहम मामृत्योनु सूर्य ज्योतिष जोमि स्वाहा। ये मंत्र है प्रधान प्रातः संध्या का, और भी मंत्र हैं पर ये मुख्य है। भगवान सूर्य परमात्मा की प्रत्यक्ष विभीत, त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसि, वेद में लिखा है प्रत्यक्ष नारायण श्री सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण। तो सूर्यस्य माम मन्युष्य माने माम माम मुझे, वे सूर्य नारायण मुझे क्रोधवश किए हुए पापों से हमारी रक्षा करें। क्रोध के कारण ही मनुष्य से पाप बनता है। यहाँ क्रोध जो है, ध्यान दें, यहाँ क्रोध विकारों का उपलक्षण है। इसका मतलब क्रोध से पाप बनते, काम से पाप बनते हैं, लोभ से पाप बनते हैं, मद से पाप बनते हैं। तो क्रोध माने केवल क्रोध नहीं, क्रोधादि विकारों से जो हमसे अपकर्म बन गए हैं उन पाप कर्मों से भगवान सूर्य नारायण हमारी रक्षा करें। यद रात्रा पापमकार्षम, रात्रि काल में जाने अनजाने कोई हमसे पाप बन गए हो, मन से पाप बन गए हो, जो मन में नहीं सोचना चाहिए वो सोचने लग गए हो, ये मन से पाप है। वचसा वाणी से पाप बन गया हो, हाथों से पाप बन गया हो, पैरों से पाप बन गया हो, उदरेण पेट से पाप बन गया हो, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा कोई पाप बन गया हो, तो वे सारे पाप उनको हम भगवान सूर्य की किरण रूपी जो अग्नि है उसमें हम भस्मसात करते हैं। ये अर्थ है प्रातःकालीन संध्या के मंत्र का भाव है ये।
अब हमने आपको निवेदन किया कि मध्यान्ह कालीन संध्या वो भोजन के अधिकार की सिद्धि के लिए है, हम भोजन करने के योग्य हो जाएं इसके लिए मध्यान्ह संध्या। अन्न जो है वो सदोष है, अन्न जो है वो क्या है, सदोष निर्दोष नहीं है। कमाने वाले ने कैसे कमाया, अन्न की उत्पत्ति में भी कितनी जीवों की हिंसा हो जाती कि नहीं हो जाती, जाने अनजाने खेत जोतने से लेके कटाई बुवाई निराई तक कोई ना कोई हिंसा होती कि नहीं होती। फिर उस व्यक्ति का मनोभाव कैसा है, फिर मान लो उसका मनोभाव ठीक है, उसका काम धंधा बिल्कुल ठीक है, न्यायोपार्जित धन है, तो बनाने वाले की अंतःकरण की वृत्ति कैसी है, जो भोजन पका रहा है बना रहा है उसके संस्कार भी भोजन पर आ जाते हैं और भोजन करने वाले को व्याप्त होते हैं, इसीलिए म्लेक्ष के स्पर्श का निषेध किया गया। जो हमारी हिंदू वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार नहीं चलता है उसके साथ उठना बैठना खाना पीना सोना इसीलिए वर्जित किया गया क्योंकि उनके संसर्ग से उनके दूषित संस्कारों का संक्रमण हमारे भीतर हो सकता है। हमारे अच्छे संस्कार तो उनमें जाएंगे नहीं क्योंकि सूरदास कारी कामर पे चढ़े ने दूजो रंग, वो तो कारी कामर है, लेकिन हमारी उजली चादर पर कुछ न कुछ धब्बा जरूर लग जाएगा। इसलिए भोजन बनाने भोजन अन्न किस प्रकार का है उसका प्रभाव तो रहता है रुंगटा जी, अन्न बनाने वाले का प्रभाव विशेष रहता है। इसलिए आजकल जो घरों में नौकरों के हाथ के खाने की परंपरा चल गई है वो बहुत खराब परंपरा है। माताओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप अपने घर में अपने भगवान की रसोई पर भगवान के द्वारा दिए हुए परिवार की रसोई अपने हाथ से बनावें, नौकरों के हाथ का नहीं खावें। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो माताओं की अशुद्धि अवस्था में भी समस्या नहीं आती थी क्योंकि सबका समय एक तो रहता नहीं, तो वो जिठानी देवरानी सब मिलजुल करके और परिवार बड़ा परिवार होता था तो मिलजुल के सब काम कर लेते थे, और नहीं करें तो पुरुष वर्ग को महीने में कम से कम 4 रविवार छुट्टी मिलती है, माताओं को 4 दिन की छुट्टी मिलना चाहिए महीना में कि नहीं बोलो, सारा घर का काम धंधा बिचारी करती हैं, 4 दिन की छुट्टी उनको दो और 4 दिन तुम रोटी बनाओ चौका बर्तन करो, पता तो चले कम से कम कि माताओं का काम भी कितना सरल काम नहीं है कठिन काम है। और पुरुष वर्ग को भी रसोई बनाना आना चाहिए, कोई काम ऐसा नहीं है जो पुरुष वर्ग को ना आवे, उसको भी आना चाहिए यदि ऐसी परिस्थिति हो तो। तो भोजन बनाने वाले का प्रभाव पड़ता है। एक बात ऐसी है जो सबके सामने कहने की नहीं है लेकिन फिर भी कह देते हैं क्योंकि हमारे पूज्य संत बैठे हैं। हमारे वृंदावन के श्रेष्ठ संत पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, पूज्य श्री गोरेदाव जी वाले पूज्य श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज, बक्सर वाले पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी महाराज, और चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज जी पूज्य बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज, ऐसे कई श्रेष्ठ महापुरुष एक बार बिहार की यात्रा में थे और पटना में रात को पहुँचे, जिस भक्त के घर पहुँचे उसमें उनके भगत जी घर में थे नहीं, संभवतः ब्राह्मण देवता का ही घर था, और आजकल तो मोबाइल चल गए हैं कि तो मोबाइल से लोग पता चला लेते हैं कि हैं कि नहीं, और उस समय मोबाइल तो था नहीं, पुरानी बात है, कम से कम 40-50 साल पुरानी बात होगी। तो वहाँ गए, अब लोग ट्रेन से उतरे थे, हारे थके थे, नहाए धोए, तो महात्मा भूखे न सो जाएं इसके लिए माता जी ने
पक्की रसोई बनाई, हलवा पूड़ी साग। सब भूखे भी थे, रास्ते में महात्मा कुछ खाते पीते नहीं हैं, सब ने तृप्त होके पाया, दूध भी पिया। और रात्रि को सबको दुस्वप्न हुआ, सभी संतों को ऐसा स्वप्न हुआ जो संतों को जैसे दृश्य नहीं दिखने चाहिए वैसा स्वप्न हुआ। तो सवेरे उठकर सब संतों का मन उदास था, बोले भाई आज तो ठाकुर जी की तो कोई लीला दिखाई नहीं पड़ी, ऐसे ऐसे है तो ठीक नहीं, मन की स्थिति अच्छी नहीं हुई, रात को स्वप्न बढ़िया नहीं था। तो परस्पर विचार करने पर इस निर्णय पर पहुँचे कि कल हम लोगों ने क्या खाया था, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो भक्तानी को पूछा, ब्राह्मणी को, भाई कल तुमने कैसे रसोई बनाई? उसने कहा, महाराज मेरा अशुद्ध अवस्था का तीसरा दिन चल रहा था और आप लोग भूखे न सो जाएं इसके लिए मैं आप लोगों को कहती कैसे कि आप लोग रसोई बनाइए, मैंने रसोई बना के खिला दिया। उसके कारण अच्छे उच्च कोटि के साधक महात्माओं को स्वप्न दोष हो गया। तब से श्री सुदामा दास जी ने तो निश्चय कर लिया कि हम तो फलाहारी करेंगे अब उस घटना के बाद। और फिर कई महात्माओं ने नियम ले लिए, उनको तो कुछ नहीं कहा। इतना प्रभाव पड़ता है बनाने वाले का। अब जो घर में नौकर है, उसके कोई कुटुंब परिवार में कोई मर गया या पैदा हो गया तो भी वो बनाता रहता है। जो बाइयां गांव घर में काम करती हैं वो अशुद्ध अवस्था में भी सब जगह घुसती हैं, बनाती हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारे घर में तो ठाकुर जी विराजमान हैं, हमारे घर में ठाकुर जी का भोग लगता है। ठाकुर जी नहीं विराजमान है, ठाकुर जी का प्रतीक विराजमान है, भोग वोग नहीं लगता है। भोग तो वहीं लगता है ठाकुर जी को जहाँ उनकी मर्यादा के अनुरूप रसोई में पवित्रता होती है, वहाँ श्री ठाकुर जी नैवेद्य ग्रहण करते हैं और भगवान जिसे ग्रहण कर लेते वो प्रसाद होता है। तो आहार में किसी न किसी प्रकार कितना भी सावधान आप क्यों न रहें, कुछ न कुछ आहार का दोष हमारे चित्त पर आ सकता है। उसकी निवृत्ति के लिए दोपहर की संध्या है, मध्यान्ह की संध्या है। मध्यान्ह में भी संधि काल है, पूर्वान्ह पूरा हो रहा है और अपरान्ह शुरू होने वाला है। तो दिन के दो भाग कर दिए, एक पूर्वान्ह और एक अपरान्ह। बीच का जो समय हो गया वो संधि का समय हो गया, वो संध्या हो गई, मध्यान्ह संध्या, जो भोजन के पहले की जाती है। और आवश्यक नहीं कि आप आधा घंटा और एक घंटा करें, आप मध्यान्ह संध्या 5 मिनट में 10 मिनट में आप मंत्र बोलने में कितना समय लगेगा, 10 गायत्री जप लीजिए, एक माला मंत्रा जप लीजिए, उतने से ही हो जाएगा। 10-15 मिनट में आपकी संध्या हो जाएगी। उस मध्यान्ह संध्या में यह कहा गया कि यह आप माने जो जल है वह साक्षात नारायण है, वह जल रूप नारायण इस पृथ्वी को पवित्र करते हैं और वह वही मुझे भी पवित्र करें। किसी का जूठा हमने खा लिया हो अथवा जो पदार्थ हमारे भीतर नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध पदार्थ है, वो मां धोखे से चला गया हो, वो सबके सब दुरित नष्ट हो जाएं, अन्न निर्दोष अन्न हो जाए, जिससे निर्दोष अन्न पा करके हमारी बुद्धि भी निर्दोष हो जाए। तो आहार की शुद्धि बनी रहे, उसका चित्त पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए मध्यान्ह संध्या है। और फिर सायं संध्या, सायंकाल में सूर्य रहते रहते संध्या हो जानी चाहिए, क्योंकि सूर्य रहते रहते संध्या हो जाएगी तो रात्रि में आप समय से आहार आदि लेकर के विश्राम कर सकेंगे। तो सूर्यार्घ सूर्य रहते रहते हो जाए और फिर तारा दिखने लग जाए तब तक आप जब चाहें तो जब तब तक आप कर सकते हैं। सायंकालीन संध्या में
अग्नि को भगवान नारायण का स्वरूप मान करके, क्योंकि अग्नि मीडे पुरोहितम, यह अग्नि वेद का सबसे पहला अक्षर है, अग्नि, अग्निम ईडे, ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निम ईडे, ये साक्षात भगवान अग्नि हैं, इनके द्वारा सारे संसार का संचालन हो रहा है, हम बोल रहे हैं अग्नि के द्वारा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पजाम्यन्नम चतुर्विधम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। भगवान अग्नि के रूप से भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, बाहर बिना आग के काम नहीं और भीतर भी बिना आग के काम नहीं। मरने वाले को लोग कहते हैं कि अब तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए, इसका मतलब है कि आग से ही जीवन है, हैं, यानी पैर ठंडे पड़ गए, हाथ ठंडे पड़ गए, बोले अब तो बस खटिया से नीचे उतार लो क्योंकि अब ये ठंडे पड़ गए, ऐसा लोग कहते हैं। अग्नि, अग्निश्च मा मनिश्च मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदन्ना पापमकार्षम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्यामुदीर्ण सस्ना अहस्तदवलंपतु यत्किंच द्रुतमयि इदम्ह ममृत्युनौ सत्ये ज्योतिष जिहोमि स्वाहा। उस सत्य रूपी अग्नि में उसका हम हवन करते हैं, ये सायंकालीन संध्या का मंत्र है। तो इस बहाने कम से कम भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया जाता है, थोड़ी देर भगवान का जप हो जाता है, भगवान का स्मरण हो जाता है, और जब त्रिकाल संध्या का नियम ले लोगे तो उतना समय तो निकल आएगा कि नहीं, कैसे भी निकल आएगा। एक ब्राह्मण देवता हमारे परिचित हैं, बुंदेलखंड का एक गांव है मालपीथा, वहां के शास्त्री जी, ऐसा निष्ठापूर्वक संध्योपासन करने वाला मैंने खोजने से मुश्किल को मुश्किल में मिलेगा। ठीक समय से संध्या करना। अब उनको वृंदावन आना है तो इसी ढंग से चलेंगे अपने गांव से कि जहां मध्याह्न संध्या का वहां रुक जाएं, वहां स्नान करके फिर संध्या करें, शाम का संध्या का समय वहाँ शाम, भले ही उनको 3 दिन लग जाए वृंदावन पहुंचने में, लेकिन वो अपनी संध्या नहीं छोड़ेंगे। पूज्य करपात्री जी से उन्होंने कहा कि हमको जैसे पढ़ना, बनारस में पढ़ते थे वो, हमको जैसे पढ़ना चाहिए वैसे तो हम पढ़ नहीं पाए, हमारी बुद्धि बड़ी मंद है, हम ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, अब तो घर जाना पड़ेगा, घर की परिस्थिति ऐसी है, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और हमारा जीवन ठीक से बीत जाए, कल्याण भी हो जाए। तो पूज्य करपात्री जी ने उनसे कहा था कि जो ब्राह्मण निष्ठापूर्वक समय से त्रिकाल संध्या करता है उसके योगक्षेम बहन का सारा ठेका भगवान ले लेते हैं, तुम्हें किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सब काम बढ़िया चल जाएगा। बस उसी बात को प्रमाण मान के वो आ गए, और क्या कहना, अद्भुत है। सायंकालीन संध्या करना चाहिए, ये 3 संध्या। हमारे यहाँ कुछ पाठ भी हैं, उनको प्रातः करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, उनकी फलश्रुतियाँ भी संत वाणियों में लिखी हैं। जैसे श्री रामानंद स्वामी जी के द्वारा संत कबीरदास जी को जो उपदेश दिया गया, उस उपदेश का नाम है ज्ञान गुदरी। क्या नाम है उसका? बड़ा अद्भुत, छोटा सा स्तोत्र है वो, ज्ञान गुदरी। सब कुछ है ज्ञान गुदरी में, सब कुछ है। आदि पुरुष जब किया बिचारा, लख 84 धागा जारा, 5 तत्व की गुदरी बीनी, 3 गुनंते ठाड़ी कीने, तामे 5-25 लागे, कामर क्रोध मोहर स्वागे, तामे जीव ब्रह्म हरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया, जिन गुदरी का किया, ये काया गुदरी, जिन गुदरी का किया बिचारा, तिनको मिल गया सृजनहारा। अब कौन जनेऊ है, कौन धोती है, क्या लंगोटी है, वो सब बड़ा विस्तार से उसमें वर्णन है, और अंत में पूजा का भी बड़ा विलक्षण वर्णन है। बोले आप पूजा तो जो कर रहे हो वो करो ही चित्तकर चंदन, अपने चित्त को ही घिसकर प्रेम के जल में, अपने चित्त रूपी चंदन को जिसमें भाव की सुगंध है,
उसको सिद्धांत की शिला पर घिस करके ठाकुर जी के श्रीअंग में लेप कर दो। चितकर चंदन तुलसी फूला, वही तुलसी है वही पुष्प है, क्योंकि साधु का मन ही सुमन है, वो भगवान के चरणों में अर्पित है। मत कर संपट कर कर्मति मूला, श्रद्धा चंवर प्रीति कर धूपा, नवतम नाम राम को रूपा। ये पूजा विधि का वर्णन है, सब कुछ है उसमें। और क्या करना चाहिए, बोले त्रिकाल संध्या के समय इसका पाठ करना चाहिए। अंत में लिखा है, राघवानंद ज्ञान गुरु दीना। रामानंद स्वामी जी कहते हैं कि हमारे गुरु स्वामी श्री राघवानंद जी ने जो हमको ज्ञान दिया। राघवानंद ज्ञान गुरु दीना, तब गुदरी से परिचय कीना। इसलिए तन मन प्रेम से सुरत लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई। सबसे पहले तन मन से सुरत लगाकर गुरुदेव भगवान का ध्यान करो। ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता। जो मध्यान्ह पढ़े चितलाई, अनुभव हो ये वर्ण नहीं जाई। संध्या सुमिरण जो नर करें, जरा मरण भव सागर तरें। श्री रामानंद कही यह गुदरी, जे गुरु शरण गए ते सुधरी। पहले तो सब साधु पाठ करते थे, इसका अब धीरे धीरे लोग नहीं करते हैं आलस के कारण। और कबीर पंथी साधु आज भी 3 बार इसका पाठ करते हैं। तो 3 बार कुछ न कुछ कीर्तन करो आप, इसलिए शक्ति ही त्रिकाल संध्यादि विधाय शक्ति। अब बेचारा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, अब उसको आप कहो जबरदस्ती संस्कृत के मंत्र पढ़ा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, परेशान और हो जाएगा। उसको तो सीधा साधा साधन बताना चाहिए। जो सामर्थ्यवान है कर सकते हैं, उन्हें विधि पूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करना चाहिए। बड़ी महिमा त्रिकाल संध्या की। और श्री रामचंद्रम च समर्च्य नित्यम। रामचंद्रम नहीं, श्री रामचंद्रम, श्री जी के सहित जो श्री रामचंद्र हैं, श्री सीताराम जी का भाव पूर्वक नित्य अर्चन करना चाहिए। नित्य ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, भले ही अपने शालिग्राम स्वरूप ही हैं, पर उन्हीं में अपने इष्ट आराध्य की भावना करके। हमारे सीताराम जी हैं, हमारे राधे श्याम जी हैं, अथवा जो आप मानते हो उसी स्वरूप में उनकी पूजा करें। तो नित्य त्रिकाल संध्या करना है, नित्य अपने हाथ से भगवान की सेवा करनी है। वैदिक पद्धति का भी आश्रय लिया जाए और उसमें भाव का संपुट भी हो, तब तो कहना ही क्या है। भाव भी हो और वैदिक पद्धति का भी बोध हो। तो कहते हैं ना, सोने में सुगंध है, सोने में सुगंध नहीं होती है। अब कहीं सोने में सुगंध होती तो शास्त्र का बोध हो, वेदादि शास्त्रों का ज्ञान हो, शास्त्र विधि से भगवान का अर्चन हो और भीतर से उसके अनुरूप भाव भी हो, इस सोने में सुगंध है। श्री रामार्चन पद्धति में राम जी के अर्चन के बड़े सुंदर सुंदर मंत्र हैं, सामान्य संस्कृत पढ़े हुए लोग भी कंठस्थ कर सकते हैं। और वो कंठस्थ करने के बाद पूजा के समय उनका बोलने में भाव की निष्पत्ति बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी भाव की जागृति हो जाती है। अर्च नहीं लिखा, समर्च, भावपूर्वक अर्चन करके नित्यम, नित्य ही श्री सीताराम जी का अर्चन करे। अब अर्चन की बात तो जाने दो, त्रिकाल संध्या भी लोग नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो राम संध्या करते हैं, क्योंकि राम संध्या कौन होती है। तो कितने लोग नल खोला और उसी में घूम गए, उसी में ऐसे 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 पानी कर दिया, ऐसे करके जल चढ़ा दिया,
यूं यूं करके यूं करके तो एक आध मुद्रा बनाई, हो गई कौन संध्या? बोले ये राम संध्या। भैया राम संध्या, कृष्ण संध्या, नारायण संध्या अलग अलग नहीं होती है, संध्या तो संध्या होती है। संध्योपासन प्रमाद पूर्वक नहीं, विधि पूर्वक करना चाहिए। नल पे खड़े होकर संध्या करने की विधि नहीं है, नल पर सूर्यार्घ देने की विधि हाँ। स्नान करके वस्त्र धारण करके आप पवित्र आसन पर बैठकर करो, और आप खड़े हो के आपको करना है तो किसी पवित्र नदी के नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर आप करो। कल ही हम पाठ कर रहे थे, हमने दिखाया भी था, किसको पुजारी जी को दिखाया, किसको दिखाया, श्री गंगा जी का जल का प्रवाह जहाँ चल रहा हो वहाँ से चार हाथ तक की भूमि, वो धरती नहीं कही जाती है, प्राकृत भूमि नहीं है वो। कितने हाथ की भूमि? जैसे ये पानी बह रहा है यहाँ, यहाँ से यहाँ चार हाथ हुआ, तो यहाँ हम बैठे हैं ये चार हाथ, चार हाथ नहीं होगा शायद, कम होगा है? तो चार हाथ में श्री नारायण क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? गंगा जी जहां से भी बह रही हो, कोई ये नहीं कहा हरिद्वार वृंदावन, हरिद्वार या ऋषिकेश या उत्तरकाशी, नहीं, जहां से भी गंगा जी बह रही है, जहां गंगा जी की धारा बह रही है उस धारा जहां से बह रही है वहां से चार हाथ तक श्री नारायण क्षेत्र है। वहां आपने एक बार भी भगवान का स्मरण कर लिया तो अक्षय हो गया, वो कभी नष्ट नहीं होगा, अनंत पुण्य है उसका। इसलिए गंगा जी के तट पर बैठकर साधन करने की बहुत अधिक महिमा है। गंगा जल का दर्शन होता रहे, गंगा जी के निकट बैठकर के साधन करने की बड़ी महिमा है। ये जल नहीं है, साक्षात परमात्मा की करुणा गंगा के रूप में बह रही है। भगवान द्रविभूत होकर के हम सबके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान प्रवाहित हो रहे हैं। इसलिए गंगा जी के की सन्निधि में जप आदि करने की अनंत महिमा है, और जल में खड़े होकर के भी महिमा है, जल में खड़े होकर भी जप करने की बड़ी महिमा है। लेकिन शरीर की जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार करना चाहिए। तो ना तो संध्योपासन करते हैं समय से, अन्यथा नहीं मानना, हम लोग, हम अपने लिए कह रहे हैं, हम लोग साधु किस लिए बने? आप गृहस्थ हैं, आपसे कोई भजन साधन कमती रह जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो बहुत प्रवृत्ति है आपकी, और हमारी, हमारा तो मार्ग ही निवृत्ति का है। यदि निवृत्ति में भी हमारी इतनी प्रवृत्ति है कि हमको संध्या का समय नहीं है, हमको जप का समय नहीं है, हमको पाठ पूजा का समय नहीं है, तो इससे अच्छा तो गृहस्थ ही रहते तो ज़्यादा ठीक था। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा जी कहते थे, वो तो विलक्षण महापुरुष थे, एक बार जगह बदल बदल के उनका कीर्तन चलता था, तो ध्यान में बैठे होते थे, नीम के नीचे बैठे रहते थे महाराज जी, दर्शन तो आपने कई छवि का, एक लंगोटी में विराजे रहते। तो एक बार बहुत देर तक ध्यान में बैठे और उठे तो पहले तो भज नारायण भज नारायण भज नारायण ये कीर्तन किया, और फिर बोले साधु मर गए गृहस्थी तर गए, साधु मर गए गृहस्थी तर गए, साधु मर गए गृहस्थी तर गए, ऐसे बोलने लगे। तो हमने उनको दंडोत किया, हम बैठे थे वहाँ, बड़ा स्नेह रखते थे, हमने कि महाराज जी आज तो आप एकदम नया कीर्तन कर रहे हैं, साधु मर गए गृहस्थी तर गए। बोले हाँ, साधु मरे लड्डू कचौड़ी खा के, भेंट दक्षिणा के लोभ लालच में मरे, भजन साधन तो करते नहीं हैं। बच्चा तुम तो पढ़े लिखे पंडित हो, तुमको क्या बताएं? बोले गृहस्थी पे भार नहीं है, गृहस्थी पे केवल अपने उद्धार का भार है, और गृहस्थाश्रम से कोई निकल कर साधु बनता है तो उस पर अपने उद्धार का भार तो होता ही है, उसके ऊपर मातृकुल के उद्धार का भार होता है। जिस माता ने उसको गर्भ में धारण किया है, वो माता जिस खानदान में जन्मी है उस खानदान का भी कल्याण होना चाहिए, और जिस पिता ने उसको जन्म दिया है
उस पितृकुल के उद्धार का भार होता है। साधु जब घर से निकलता है तो माता के कुल के उद्धार का भार उसके सिर पे होता है, पिता के कुल का के उद्धार का भार उसके सिर पे होता है, और अपने उद्धार का भार भी उसके सिर पर होता है। तो बोले माता पिता का कुल तो गया दूर, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि अपना भी उद्धार हो जाए। बोले इसलिए आज हम कीर्तन कर रहे हैं, साधु मर गए, गृहस्थी तर गए। गृहस्थी क्यों तर गए? बोले बेचारे घर का काम धंधा भी करते हैं और साधुओं की सेवा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, इसलिए तर गए। कभी गाते थे राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। पता नहीं कहाँ का वाक्य है ये, कभी कई बार ये भी गाते थे, राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। भज नारायण भज नारायण भज नारायण, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण। उनकी वाणी से बड़ा अच्छा लगता था जब वो बोलते थे, कभी कभी ध्यान से जागृत होकर के जब बोलते थे बहुत अद्भुत लगता था उनकी वाणी से। हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आज इस समय के प्रायः नए साधुओं में त्याग तप के प्रति बहुत उपेक्षा है, भजन साधन के प्रति भी उनकी उपेक्षा है। हम अब चलो नाम ही ले लेते हैं, हरिद्वार में एक मठ में थे पंडा जी हम, तो संध्या का समय हुआ, आरती हुई, तो हम आरती में जाने लगे तो वहाँ के जो मुखिया थे, अरे बोले ये तो दूसरे साधु लोग खड़े होंगे आरती में, हम लोग तो महामंडलेश्वर हैं, संत महंत हैं, श्री महंत हैं, हम लोगों को क्या जरूरत है आरती में जाने की, पुजारी आएगा यहीं आरती देने के लिए। हमने कहा भाई हमको तो भगवान की आरती में जाना, हम तो चले गए। एक और थे हमारे साथ संत, वो भी चले गए। तो क्या कर रहे भाई उस समय, कोई काम में व्यस्त हूँ, भगवान की सेवा के काम में लगे हैं, नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, नहीं टीवी देख रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इसलिए साधु बने हैं। इसलिए साधु नहीं, गृहस्थ का भी जो वैष्णव है शरणागत है उसको ये विचार करना चाहिए कि हम अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। गप सड़ाका में समय लगा रहे हैं कि भजन साधन में समय लगा रहे हैं कि सेवा में समय लगा रहे हैं? ना तो साधन है और न सेवा है, दोनों जरूरी है। साधन भी जरूरी है और सेवा भी जरूरी है, और सेवा का भाव नहीं तो साधन में प्रवृत्ति नहीं। तो वही बात हो गई जो कहावत हमने एक दिन कही थी, दो ही दिन से गए पाड़े हलुआ मिले न माड़े, कही थी ना एक दिन कहावत, वही हालत हो गई। इसीलिए संतों ने, पुराने संतों ने ऐसे नियम बना दिए थे कि कम से कम स्थान में रहने वाले साधु आरती में खड़े हों, स्तुति में खड़े हों, पंगत के समय थोड़ी देर कम से कम कीर्तन कर लें, तो बिना पढ़े लिखे तो चलो कोई बात नहीं, कीर्तन करके भोजन कर लेंगे तो भी मध्यान्ह संध्या की कुछ ना कुछ खाना पूर्ति तो होगी। ये सारी नियमावली इसलिए थी कि अत्यंत सरलता से भी जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन हम लोग इतने प्रमादी हो गए हैं कि हम अपना कालक्षेप हम अपने लिए कह रहे हैं, हम अपने विद्यार्थी जीवन में जितना बढ़िया कालक्षेप कर लेते थे, अब साधु जीवन में हम वैसा संतोषजनक अपना कालक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए चाहे जितनी व्यस्तता हो, नित्य नियम नहीं छोड़ना, तिलक लगाना नहीं छोड़ना, संध्योपासन नहीं छोड़ना, सूर्यार्घ देना नहीं छोड़ना, भगवान की सेवा, भले ही आप स्थान के अधिपति महंत हैं लेकिन जब तक स्थान में हैं प्रयास करो, समय निकालो, यदि शरीर में सामर्थ्य है तो भगवान के मंदिर में नित्य जाकर कुछ न कुछ भगवान की सेवा करो, कुछ नहीं तो शालिग्राम भगवान को तुलसी चढ़ाओ, आरती स्तुति में खड़े हो जाओ। आप खड़े होंगे तो सब लोग खड़े होंगे, आप बैठेंगे पंगत में तो सब लोग पंगत में बैठेंगे,
क्योंकि यद्यदाचरिति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। इसलिए त्रिकाल संध्या करे और क्या करे, भगवान श्री राम का नित्य अर्चन करे। और कालक्षेप कैसे करे, बोले भाष्येण रामायण तो ही कालक्षेपो विधेयोपि च भारतेन। त्रिकाल संध्या ये कालक्षेप है। क्या है कालक्षेप? भगवान का पूजन यह भी कालक्षेप है, वो साधन नहीं है। क्योंकि साधन तो अब आवश्यक नहीं रहा, भगवान की शरणागति हो गई, अब कल्याण के लिए कोई साधन तो करना, लेकिन समय का सदुपयोग हम कैसे करें? तो त्रिकाल संध्या भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत मुखोल्लासार्थम प्रातः संध्योपासनम अहम करष्ये, भगवत मुखोल्लासार्थम मध्यान्ह संध्योपासनम करष्ये, भगवत मुखोल्लासार्थम सायं संध्योपासन कर्माहं करष्ये, और अनेन कृतेन कर्मणा श्री भगवान प्रियताम नमः। भगवान से प्रार्थना करे, श्री रामचंद्रम च समर्च नित्यम, अर्चन करके भी अनेन कृतेन पूजन कर्मणा श्री सीता रामचंद्रु प्रियताम नमः, श्री सीता रामचंद्रार्पण मस्तु। अब यदि आप कुछ पढ़े लिखे साधक हैं, गृहस्थ हैं या विरक्त, इससे प्रयोजन नहीं है। यदि आप कुछ पढ़े लिखे हैं तो आपको भाष्य भी पढ़ना चाहिए। भाष्य का अर्थ यहाँ केवल भाष्य नहीं है, प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखे हैं अलग अलग आचार्यों। तो आप जिस परंपरा के साधक हैं उस परंपरा के सिद्धांत को आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि उस सिद्धांत के बोध से हमारा ज्ञान वैराग्य और भक्ति परिपक्व होगी, और उससे हमारी निष्ठा परिपक्व होगी, श्रद्धा दृढ़ होगी, विश्वास दृढ़ होगा, और उत्तरोत्तर भगवान में प्रेम हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उपनिषद, ईशादि नौ उपनिषद, और श्रीमद् भगवद्गीता, और श्री ब्रह्मसूत्र, इनके माध्यम से इनका थोड़ा स्वाध्याय नित्य करे, ये आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कालक्षेप के लिए। और एक विशेष बात, रामायणतः, रामायण माने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। आप लोग कहेंगे तो स्वामी रामानंदाचार्य जी ने वाल्मीकि रामायण कही तो हम रामचरितमानस क्यों पढ़ें, एक प्रश्न हो सकता कि नहीं? जिसमें श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रकट थे उसमें रामचरितमानस का प्राकट्य नहीं हुआ था, क्योंकि संवत 1515 में श्री रामनवमी के दिन आचार्य चरण ने सदेह साकेत गमन किया है काशी पंचगंगा घाट से श्री रामानंदाचार्य जी ने। और रामचरितमानस प्रकट कब हुआ? संवत 1631 करूं कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो विसंवत 1631 की रचना है, तो रामायण जी का, रामचरितमानस का नाम कैसे ले सकेंगे? इसलिए रामायण, आप संस्कृतज्ञ हैं तो रामायण वाल्मीकि रामायण का नित्य पाठ कीजिए, और नहीं तो आप रामचरितमानस का जरूर पाठ हर मनुष्य को करना, हर वैष्णव को करना चाहिए। रामचरितमानस में सब कुछ है, गीता जी में सब कुछ है, कुछ उससे बाहर नहीं है। रामचरितमानस का उत्तम पक्ष ये है कि एक मास पारायण रोज करे, एक मास पारायण न भी संभव हो तो कम से कम 5 दोहा रामचरितमानस के तो नित्य पाठ करना ही चाहिए। अब हम ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम स्वयं नहीं करते हैं, कुछ दिन हमारा चला पाठ, अब इस समय हमारा बंद है, तो इसलिए हम ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, लेकिन समय हो तो कम से कम 5 दोहा पाठ तो करना ही चाहिए। और एक विशेष बात कही है, महाभारत से भी कालक्षेप करना चाहिए। किससे? अब आप लोग कहेंगे कि इतना काम बता दिया स्वामी जी ने कालक्षेप के लिए, त्रिकाल संध्या भी करना है, फिर शास्त्र विधि से भगवान की पूजा भी करनी है, और फिर गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र इसका भी नित्य स्वाध्याय करना है, और
रामायण का भी स्वाध्याय नित्य करना है और महाभारत का स्वाध्याय, अब तो समय नहीं रहा। आप ये प्रश्न कर सकते कि नहीं, इतना तो समय भी नहीं है। तब उसका एक समाधान है, उसका एक समाधान है कि आवश्यक नहीं है कि इतने ग्रंथ आप एक ही दिन में पढ़ो। आप पहले अपने स्वाध्याय, भैया क्या कर रहे हैं, आप पहले अपने स्वाध्याय में गीता जी को ले लो, गीता जी पूरी हो जाए तो आप रामचरित ब्रह्मसूत्र को ले लो, ब्रह्मसूत्र पूरा हो जाए उपनिषदों को ले लो। ऐसे किया जा सकता विभाग। मान लो वो नहीं कर सकते तो रामचरितमानस का पाठ करो, रामचरितमानस पूरी हो जाए तो भागवत शुरू कर दो, भागवत पूरी हो जाए तो भक्तमाल शुरू कर दो, भक्तमाल पूरी हो जाए तो विनय पद। इतना तो कर सकते कि नहीं, एक एक ग्रंथ चला सकते हो नित्य स्वाध्याय में कि नहीं, कि इतना भी समय नहीं निकाल सकते? इतना तो निकाल सकते। तो सब ग्रंथ नहीं कर सकते, तो क्रमशः एक एक करके ग्रंथ हमने निवेदन किया। मान लो आप बहुत अधिक संस्कृत और सिद्धांत के ग्रंथ पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप अपने कल्याण के लिए नित्य स्वाध्याय के रूप में 5 ग्रंथों को चुन सकते हैं। श्रीमद् भगवद्गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका। ये 5 ग्रंथ भगवत प्रेरणा से दास की समझ में आए हैं। ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का सीधा मार्ग बताते हैं, इसलिए इन 5 ग्रंथों का ही ज़्यादा इधर उधर पढ़ने लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता, ज़्यादा सुनने वालों का भी दिमाग खराब हो जाता है, ये गुर बात है। बहुत से लोग भी उनको सुना उनको सुना, और आप तो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, और तीसरे वो कह रहे हैं, चौथे ये कह रहे हैं, तो भैया तुम खुद ही भ्रमित हो रहे हो। इसलिए सबसे सुनना भी मना है, सबकी सुनना मना है और सबसे सुनना मना है। शास्त्रीय सदाचार जिनके जीवन में प्रतिष्ठित हो, सिद्धांत की ठीक चर्चा जो कर सके उनसे आप सुनो, नहीं तो कोई ना कोई भ्रम आपके दिमाग में डाल देंगे वो लोग। महाभारत की बात यहां रामानंदाचार्य जी ने कही है, महाभारत के द्वारा कालक्षेप करना चाहिए। महाभारत बड़ा विशाल काय ग्रंथ है, पर एक बात बिल्कुल सत्य है कि यदि धर्म के संबंध में, सदाचार के संबंध में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसकी कोई दूसरी गति नहीं है महाभारत को छोड़कर। प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को महाभारत एक बार आद्योपांत अवश्य पढ़ना चाहिए, न पढ़े तो सुनना चाहिए। 1 महीने की महाभारत की कथा सीकर में हुई थी, नथमल जी उसके आयोजक थे, और हम आपको कहें उस कथा का ऐसा प्रभाव हुआ था जिस समय वो 1 महीने की कथा हुई थी, वो सबसे पहला 1 महीने का लाइव था, उसके पहले किसी की भी 1 महीने की लाइव कथा आई नहीं थी। संस्कार पर पहला लाइव था वो, उसके बाद तो फिर 1-1 महीने के अन्य भी लाइव होने लग गए, उस समय वो पहला लाइव था। और उससे लोगों को इतना लाभ हुआ कि सैकड़ों लोगों ने कहा मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, अनगिनत लोग मिले देश विदेश में जिन्होंने कहा कि महाभारत की कथा सुनकर हमको बहुत लाभ हुआ। बड़ा दिव्य ग्रंथ है महाभारत। अभी 1 महीने वाली कथा से हमको संतोष नहीं हुआ, अब कभी भगवान ऐसा अवसर देंगे तो इस बार तो श्री मलुक पीठ में जो नया सत्संग भवन निर्मित हो रहा है उसमें 4 महीना इस बार रामचरितमानस की चर्चा करने का मन है, क्योंकि रामचरितमानस की ही चर्चा 4 महीना एक जगह पर बैठ करके करेंगे हम लोग। जो ठाकुर जी प्रेरणा देंगे, भगवान चाहेंगे तो 4 महीने में पूरा होगा, नहीं तो जितना हो जाएगा उतना करेंगे, कोई भाग दौड़ की बात नहीं है।
कभी ऐसा अवसर भगवान देंगे तो चाहे जड़खोर में और चाहे अन्यत्र कहीं, यहाँ भी कभी हो सकता है। तो एक बार हमारा मन है कि 4 महीने पूरे महाभारत की कथा कहें, एक बार फिर कम से कम एक चातुर्मास से कम महाभारत के द्वारा करें, क्योंकि एक महीने में संतोष नहीं हुआ। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, महाभारत से भी कालक्षेप करना चाहिए, ये श्री रामानंदाचार्य जी की आज्ञा है। त्रिकाल संध्या, नित्य भगवान का अर्चन पूजन, भाष्य का माने प्रस्थान त्रयी का अनुसंधान, रामायण का अनुसंधान और महाभारत का अनुसंधान, इन सब के द्वारा भगवान के शरणागत भक्त को अपना कालक्षेप करना, कालक्षेप माने समय व्यतीत करना चाहिए। अब जो प्रश्न हम कर रहे थे उसका उत्तर अपने आप स्वामी जी दे रहे हैं। कोई कहे महाराज आपने तो इतना बता दिया, हम तो न संध्या कर सकते हैं इतना ज़्यादा, हमको संस्कृत ही पढ़े लिखे नहीं है और हम इतनी पद्धति से पूजा भी नहीं कर सकते, और जो आपने कहा कि प्रस्थान त्रयी, रामायण और महाभारत, इनसे कालक्षेप करो, तो हमारा तो इतना ज्ञान ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो उसका समाधान आगे के श्लोक में स्वामी जी कर रहे हैं। स्याचे दशक्तः शृणुयात् कुतश्चित् ग्रंथान अमून शुद्धतमाद् विशुद्धः। क्या बढ़िया बात है, आप खुद पढ़ने में समर्थ नहीं हैं तो आपको जो अच्छे सामर्थ्य संपन्न जो महापुरुष हैं, शुद्धतमात्, केवल वक्ता नहीं हैं, जिनके जिनका अंतःकरण निर्मल है, ऐसे महात्माओं के द्वारा, हरि भक्तों के द्वारा आपको भगवान के इन मंगलमय इन ग्रंथों का श्रवण करना, प्रस्थान त्रयी का श्रवण आप करो, रामायण जी का श्रवण करो, महाभारत का श्रवण करो, श्रवण करना चाहिए। अब बोले श्रवण के बाद फिर क्या करें। मान लो कोई ये कहता है कि महाराज हम तो सुनने की भी हमको उतनी सुविधा नहीं है, क्योंकि सुनाने वाले तो हमेशा मिलेंगे नहीं, कभी कभार मिलेंगे, इस समय तो ये शिकायत नहीं की जा सकती, क्योंकि इस समय तो ये जो आधुनिक विज्ञान है इसका इतना बढ़िया लाभ लोगों को है कि आप जो चाहो जब सुन सकते हो। आप सोचो करपात्री जी को पधारे कितना समय हो गया, भले ही उनकी कम वाणी है उपलब्ध, लेकिन आज भी आप यूट्यूब के माध्यम से करपात्री जी की वाणी भी सुन सकते हो, हैं, डोंगरी जी की वाणी सुन सकते हो, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुन सकते हो, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का प्रवचन सुन सकते हो, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी का प्रवचन सुन सकते हो, बक्सर वाले मामा जी का प्रवचन, हमारे गुरुदेव का तो बहुत कम डला है लेकिन वो भी आप सुन सकते हो, भक्तमाली जी का, उनकी वाणी भी सुन सकते हो, श्री अखंडानंद जी का तो बहुत यंत्र में सुरक्षित है, सब कुछ यंत्र में सुरक्षित है, सब सुन सकते हो। तो इस प्रकार से यह भी एक आधुनिक विज्ञान का उत्तम उपयोग करते हुए नित्य श्रवण किया जा सकता है। अब मान लो हमेशा सुनने की सुविधा उपलब्ध न हो तो श्री राम सन्नाम सुकीर्तनंच, फिर भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करें, श्री राम, जय जय राम, 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 श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।
राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ये कीर्तन करें आप, प्रेम से कीर्तन करें और द्वया अनुसंधान मथो विदध्यात्। बचे हुए समय में मंत्र द्वय का अनुसंधान करें। ये मंत्र द्वय क्या है? ये क्या है मंत्र द्वय? ये दो मंत्र हैं जिनका अनुसंधान चलते फिरते आप कीर्तन नहीं कर रहे, मौन हैं, पर इनका चिंतन मन मन से किया जा सकता है। इसको मंत्र द्वय क्या कहते हैं? बोल देते हैं मंत्र द्वय। श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये है मंत्र द्वय। क्या? श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये मंत्र द्वय हैं। इन दोनों मंत्रों का अनुसंधान किया जा सकता है। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। अभी मंत्र द्वय की व्याख्या इसी ग्रंथ में पहले हम कर चुके हैं। श्री राम मंत्राज का भी की व्याख्या कर चुके हैं, अष्टाक्षर का भी स्मरण कर चुके हैं और चरम मंत्र का भी स्मरण कर चुके हैं, मंत्र द्वय का भी स्मरण कर चुके हैं। मंत्र द्वय का अनुसंधान करना चाहिए। इस प्रकार से वैष्णव को अपना कालक्षेप करना चाहिए। और दिव्ये सुदेशे सुशताम प्रसंगम तदीय कैंकरीय परायणो वै यावत् शरीरांतमहर्दिवं तत्कथा मुदाराम शृणुयात् भवग्नीम। क्या बढ़िया श्लोक है, वाह। भगवान के दिव्य देशों में जहाँ भगवान का मंदिर होता है वो भगवान का दिव्य देश ही माना जाता है। देखो ये दिव्य देश ही है, यहाँ भले ही कोई मंदिर न बने पर ये दिव्य देश है। श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, उत्तराखंड, हरिद्वार, ये सब भगवान के धाम जो हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, ये सब भगवान के दिव्य देश ही हैं। और इन दिव्य देशों में भगवान का मंदिर भी बन जाए तब तो कहना ही क्या है। आज की पवित्र शुभ लग्न में, शुभ वेला में, आज यहाँ भी एक मंगलमय कार्य श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान के अनुग्रह से और उनके पूरे परिकर के अनुग्रह से, श्री भगवती गंगा जी के अनुग्रह से और अपने पूज्य गुरुजनों, पूर्वाचार्यों की महती कृपा करुणा से, गौ माता की कृपा करुणा से, आज यहाँ भी एक बहुत पवित्र कार्य संपन्न हुआ है। काशी के विद्वान आचार्य आए हुए हैं। आज हम लोग सवेरे भगवान विश्वनाथ जी का पूजन करने गए थे और वहाँ सब जगह पूजन करके लौट के आए हैं। तो आज अब बनेगा जब कभी भी, लेकिन आज का मुहूर्त बहुत उत्तम था। आज उत्तम मुहूर्त में भगवान लक्ष्मी नृसिंह के मंदिर का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ है। भूमि पूजन आज संपन्न हुआ है। विलक्षण भगवान स्वरूप में विराजेंगे। हम तो कल्पना ही कर रहे हैं कि कैसे नृसिंह भगवान होंगे। नृसिंह भगवान का मंदिर बनेगा, नृसिंह भगवान का दिव्य देश बनेगा। यहाँ नृसिंह भगवान विराजेंगे और उनकी अंक में, गोद में भगवती पराम्बा श्री महालक्ष्मी विराजेंगी, लक्ष्मी नृसिंह, और सामने प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े होंगे। इस रूप में भगवान नृसिंह की स्थापना यहाँ होगी। नृसिंह शालिग्राम जी भी विराजमान होंगे और मध्य में भगवान नृसिंह होंगे और ईशान कोण की ओर भगवान शिव का परिवार होगा, शिव मंदिर होगा उसी एक मंदिर के परिसर में ही। गर्भगृह सबके पृथक पृथक होंगे। अग्नि कोण में भगवान गणेश होंगे। नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का मंदिर होगा और वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होंगी। हमारे यहाँ शास्त्रों में जहाँ तक भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमने ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ा है, उसमें वैष्णवों के लिए इसी प्रकार के पंचायतन के पूजन की व्यवस्था शास्त्र ने दी है। तो ये
कहीं प्रायः इस समय दिखाई नहीं पड़ती है। तो जब हमने ग्रंथों में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से देखा, तो हमने अपनी सेवा में भी इसी प्रकार से विराजमान किया है। यदा मध्ये तो गोविंदा, जब बीच में भगवान, मतलब गोविंद माने राम कृष्ण नारायण, कोई भी स्वरूप बीच में हो में, तो आग्नेये गणपम यजेत, अग्नि कोण में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। नैऋत्ये तो यजेत सूर्यम, नैऋत्य कोण में सूर्य का यजन करना चाहिए। और वायव्ये दुर्गाम यजेत, वायव्य कोण में दुर्गा जी का पूजन करना चाहिए। और ईशान में, ईशान कोण में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ईशाने तुझे यजेत शिवम, ईशान कोण में शिव जी का पूजन करना चाहिए। ये हुई भगवान की शास्त्र की विधि से सम्यक और संपूर्ण सेवा, जिसको सांगवोपांग सेवा कहते हैं, अंग के सहित अंगी की पूजा। तो ये पवित्र तपोभूमि, देवभूमि, ऋषि भूमि है, इसमें मन में ऐसा भाव बना है कि अभी तक ऐसा कहीं मंदिर इस शरीर के द्वारा तो कोई बना नहीं है, तो आज ऐसा शुभ संकल्प भगवान की ओर से हुआ है। भगवान की ओर से हुआ तो भगवान ही उसे पूरा करेंगे। अब जब हो जाए तब भगवान की इच्छा से होगा। तो दिव्य देश में निवास करता हुआ, संतों का संग करता हुआ, तदीय कैंकर्य परायण हो वही, ये विशेष बात रामानंदाचार्य भगवान ने कही है। साधक को ऐसे ही पवित्र दिव्य देशों में निवास करना चाहिए, वहाँ रहकर संतों के चरणों में संग माने होता है आसक्ति, प्र उपसर्ग, प्रसंग माने संत चरण में दृढ़ आसक्ति रखनी चाहिए। और वहाँ रह करके तदीय कैंकर्य परायण, तदीय कैंकर्य परायण का अर्थ है कि भगवत भागवत कैंकर्य परायण होकर के रहना चाहिए। भगवान की सेवा करें और भगवदीय गौ, ब्राह्मण, संत, सदगुरु, ये सब भगवान के ही विग्रह हैं, भगवान की ही विभूति हैं, भगवदीय हैं, इनको भगवान के हैं ऐसा मानकर इनकी सेवा करता हुआ, जब तक शरीर की अंतिम श्वास रहे तब तक एक कोई साधन बने न बने, श्री रामानंदाचार्य जी कहते हैं दिव्य देशों में निवास करता हुआ, भगवत भागवत गौ ब्राह्मण की सेवा करता हुआ, अंतिम श्वास तक भगवान की कथा सुने, बस अंतिम बात। कुछ न बने तो रोज कम से कम कथा जरूर सुनो, यावत शरीरांत, कब तक कथा सुनो, जब तक शरीरांत न हो तब तक ऐसी कल्पना करो, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से कि जब हम अंतिम श्वास गिन रहे हों उस समय भी कोई ना कोई भगवान की कथा कीर्तन हमारे कान में पड़ रही हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। और अहर दिवम, कब कथा सुननी चाहिए, बोले जब समय मिले, दिन में मिले तो दिन में, रात में मिले तो रात में, हर समय कथा सुननी चाहिए। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज 5 बजे सत्संग करते थे, ठंड में भी करते थे कि नहीं, और सब 4:45 बजे ही वहाँ उपस्थित हो जाते थे, क्योंकि 5 बजे तो गेट बंद हो जाएगा, फिर भीतर घुस ही नहीं सकते, चाहे आप चाहे जितने बड़े हो, ऐसी नियमावली थी नहीं कि स्वामी जी के समय में, वो पूरा भर जाता था, हर समय सत्संग में पूरा खचाखच भर जाता था। अभी हमारे वृंदावन में एक महात्मा हैं जो बहुत बढ़िया से सत्संग कर रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, हमने उनके बारे में सुना कि सुबेरे 3 बजे से सत्संग करते हैं, कितने बजे से, और लोग सोचते हैं कि 3 बजे तो वहाँ कौन जाएगा, पर सुनने वाले ऐसे प्रेमी महाराज 3 बजे वहाँ बैठने की जगह नहीं रहती, इतने सुनने वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जब समय मिले, दिन में रात में जब समय मिले, तब प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने में कोई समय का बंधन नहीं है, जब अनुकूल अवसर होवे तभी कथा सुने। अब बोले भाई देखो, अब हम न तो अब बूढ़े हो गए, बहुत ध्यान से सुनो भाई, बात मत करो, अब तो हम बहुत बूढ़े हो गए, अब हमसे कुछ नहीं होता है, न तो भगवान की सेवा बनती है
न गौ सेवा, न संत सेवा, न गुरु सेवा, कुछ नहीं बनती हमसे। कथा भी रोज रोज सुनने का अवसर मिलता नहीं है। अब हम क्या करें बोलो। स्वामी जी बोले, तत्राप्यशक्तास्तु कुटीर मात्रम विधाय कुर्यस्त्वथ राघवाद्रौ। जब आप समझ ले साधक के अब हमसे कुछ नहीं, अब हमारा शरीर बहुत कुछ कर लिया, अब किसी लायक नहीं है, तो बोले श्री चित्रकूट में चला जाए और वहाँ कामता नाथ के निकट एक छोटी सी कुटीर। कुटीर किसको कहते जानते हैं? बड़ी कुटिया होती उसको कुटी कहते हैं, और छोटी कुटी जिसमें एक आसन लग जाए बस, दूसरे को घुसने की जगह न रहे, एक आसन और अपना दंड कमंडल, ठाकुर जी की सेवा आ जाए, दूसरा मूर्ति अपने आप ही देख लेगा कि यहाँ जगह नहीं। ऐसी एक फूस की झोपड़ी डाल ले, कहाँ कहाँ डाल ले, श्री चित्रकूट धाम में, और वहाँ केवल श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम करता रहे। इतना तो कर सकते हो। चित्रकूट का अर्थ चित्रकूट तो है ही, चित्रकूट का आशय है श्री वृंदावन में, श्री बरसाना धाम में, कहीं एक कुटिया में पड़ जाओ और सीताराम सीताराम सीता, इतने में तो कोई घाटा नहीं है। इतना भी नहीं कर सकते, अरे भाई इतना भी नहीं कर सकते तब तो आपको फिर वैष्णव कहलाने का अधिकार भी नहीं है। इतना तो कर सकते हो। तत्राप्यशक्तास्तु कुटीर मात्रम कुरु विधाय कुरुस्तुत राघवाद्रौ। बोले क्या करें महाराज, हम तो चित्रकूट तो नहीं रह सकते, हमारी परिस्थिति ऐसी, हम चित्रकूट तो नहीं रह सकते। अब देखो ब्रजवासी आए हमारे गिरिराज जी के, और दर्शन के बोले हम गिरिराज जी जा रहे हैं, उनकी ये सब गिरिराज जी हैं, पर भैया ब्रज के जीवों का मन तो ब्रज में ही लगेगा। अभी आए ना ब्रजवासी ब्राह्मण, बाबा डंडो तो चल दिए, कहाँ जा रहे, बोले बस आए गए दर्शन, आपके दर्शन करवे के ताई आए, दर्शन है गए, अब चले गिरिराज जी, गंगोत्री जमनोत्री ही आए। तो कहाँ निवास करें फिर? मान लो सबकी सुविधा नहीं है कि वो वृंदावन में रहें, चित्रकूट में रहें, अयोध्या में रहें, यहाँ रहें, उत्तरकाशी में रहें, गंगोत्री यमुनोत्री रहें, सबकी सुविधा तो नहीं है, तब कहाँ रहे? धन्य है धन्य है। अंतिम बात स्वामी जी कह रहे हैं, अन्यत्र वासंच गुरु उपदिष्टान। गुरु जी जहाँ रहने के लिए कह दें वहीं रह जाए। गुरु जी ने कहा कि तुम यहाँ रह के भजन करो, बोले नहीं हम तो वृंदावन रह के भजन करेंगे, तो वहाँ शायद भजन करने में भी सिद्धि नहीं होगी। और गुरु जी कहेंगे कि तुम वहाँ चले जाओ जहाँ, तुम तो पाकिस्तान में चले जाओ, वहाँ रह के भजन करो जहाँ के हिंदू बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। और यदि गुरु जी कह देंगे तो वहाँ भी शिष्य जाकर भजन करेगा तो उसका काम बन जाएगा। गुरु जी जहाँ कह दें, गुरुदेव की जहाँ आज्ञा हो जाए, सारे तीर्थ वहीं हैं। राजस्थान में श्री रामस्नेही परंपरा के अनेक आचार्य किसी पौराणिक तीर्थ में कहाँ गए बोलो? अब खेड़ा पा एक जगह हम कथा कहया हैं, बड़ा सिद्ध पीठ है रामस्नेही परंपरा का श्री खेड़ापा पीठ, और पूज्य आचार्य चरण जो इस समय खेड़ापा महाराज जी, बड़े अद्भुत महापुरुष हैं, बहुत अच्छे संत हैं, उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो भी बहुत अच्छे संत हैं, बड़े प्रेमी अनुरागी संत हैं, और हम तो उनके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने संग्रहालय में से श्री मलुकदास जी के द्वारा रचित लिखित श्री महाभारत की वाणी उन्होंने प्रदान की है हमको। अब उसका उसको अभी प्रकाशन में नहीं आई है वो, लेकिन मलुकदास जी ने भी महाभारत लिखी, इतना मोटा ग्रंथ है, उसकी प्राचीन पांडुलिपि उन्होंने हमको कृपा पूर्वक प्रदान की है। अब देखो खेड़ा पा एक गांव है, लेकिन श्री राम नाम जप गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी, वहीं बैठ के राम नाम का जप करने लगे,
आज खेड़ापा महान तीर्थ हो गया। ये खेड़ापा का तो हम नाम ले रहे हैं, कहीं भी गुरु महाराज जहां आज्ञा दे दें वहां रह के भजन साधन करो। आपकी गुरु निष्ठा होनी चाहिए, सारे धाम तीर्थ आपके लिए वहीं उपस्थित हो जाएंगे। गुरु आज्ञा जहां मिल जाए वहां रहकर जीवन पर्यंत भजन साधन करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। अन्यत्र वासंच गुरुपदिष्टान मंत्रान जपंतो हंकार शून्या। अहंकार शून्य होकर के मंत्र जपते हुए गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वहां निवास करना चाहिए। श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा के एक महापुरुष हुए हैं श्री दासरथी स्वामी। क्या नाम? श्री दासरथी स्वामी जी का चरित्र आता है। उनके गुरुजी गृहस्थ थे और दासरथी स्वामी एक महान प्रकांड विद्वान थे श्री वैष्णव परंपरा के। गुरुजी गृहस्थ थे, रामानुज संप्रदाय में प्रायः गृहस्थ ही होते हैं। तो गुरु महाराज की बेटी जिस घर में ब्याही थी उस घर में उसके ऊपर बहुत अत्याचार जैसा हो रहा, तो बहुत पीड़ित थी वो, क्योंकि घर का सारा काम उसको करना पड़ता था। अरे भाई, हर व्यक्ति की एक सामर्थ्य होती कि नहीं? आप सामर्थ्य से अधिक काम हमसे लोगे तो शरीर है, लोहे की मशीन, लोहे की मशीन भी बिगड़ जाती महाराज, तो ये लोहे की मशीन थोड़े ही है। तो लड़की बहुत दुखी थी और उसको बड़े फटकार भी लगती थी, और उसके ससुराल वाले लोग कहते थे बड़े बाप की बेटी है तो घर से नौकर लाती, बड़े बाप की बेटी तो घर से नौकर लाती, सब काम करना पड़ेगा यहाँ। तो बेटी बहुत दुखी थी, एकदम पिता के पास आकर रोने लगी। पिताजी ने कहा कि तो बेटी मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं तेरे यहाँ नौकर रख सकूँ, अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकूँ, और यत्किंचित हमारे पास कुछ है भी तो वो अब संसार के व्यवहार के लिए नहीं है, वो भगवान की सेवा के लिए है, भगवान रंगनाथ की सेवा के लिए है। तो ना उसका उपयोग हम अपने शरीर में कर सकते हैं, ना अपने संसार के परिवार के व्यवहार में उसका उपयोग, नीचे भैया गीले हो जाओगे ना, ना उसका व्यवहार हम, यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ, पट्टी पे आ जाओ, अच्छा तब ठीक, हम उसका व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बेटी रो रही थी, और ये भी नहीं कर सकते कि तुम यहाँ रहो, क्योंकि हमने जब तुमको भेद, तुम गई हो तो अब वही घर है, अब तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार जो भी सुख दुख हो तुमको वहीं रहना चाहिए, पति सास ससुर आदि की सेवा करनी चाहिए। हमारे भारतीय परंपरा में यही कन्याओं को सिखाया जाता है कि पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, तुम्हारा घर वही है। तो बेटी तो बिचारी चलेगी पिताजी की बात मान के, लेकिन गुरुजी चिंतित हो गए क्या, और उनके सबसे योग्य शिष्य थे दासरथी स्वामी, उन्होंने गुरुजी के मुखारविंद को उदास देखा तो बोले गुरुदेव आप उदास क्यों, आप प्रसन्न रहते थे आज उदास क्यों। पहले गुरुजी ने चाहा कि न बतावें, लेकिन जब अधिक प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लौकिक बात है, तुम समझ के क्या करोगे, और बेटी है वो तो वहाँ पीड़ित है। श्री दासरथी स्वामी जी ने कहा गुरुदेव इतनी छोटी सी बात के लिए आप पीड़ित हैं, दास तो केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है, मैं जीवन पर्यंत गुरुपुत्री के यहाँ रहकर नौकर के जैसा रह करके सारा काम करूंगा, कपड़े धोऊंगा, बर्तन मांजूंगा, झाड़ू बुहारू चौका पोंछा सब काम मैं अपने हाथ से करूंगा।
बोले अरे वो लोग बड़े ऐसे स्वभाव के हैं, जब अपने घर की बहू पर बढ़िया व्यवहार नहीं रख पाते तो नौकर के साथ तो क्या व्यवहार करेंगे। बोले वो चाहे जितना कठोर व्यवहार करें, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा, मैं प्रसन्न होकर सेवा जीवन पर्यंत सेवा करूँगा, एक पैसा का खर्च नहीं है, भोजन की भी अनिवार्यता, वस्त्र की भी अनिवार्यता वहां से नहीं रहेगी, रहे तो जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसे होगा। गुरुजी नहीं चाहते थे कहना, तुम्हारे जैसे योग्य विद्वान उत्तम महापुरुष को मैं कैसे भेज दूं, पर इन्होंने आग्रह पूर्वक गुरुजी से आज्ञा ले ली और वहां चले गए बेटी के यहां। कौन हो भाई तुम, कहां से आए हो? बोले वहां से आए हैं। किसने भेजा? उन्होंने भेजा है। किस लिए? बोले वो हमारी गुरुपुत्री यहाँ हैं, हम नौकर हैं, घर में काम करेंगे, क्या लोगे? बोले कुछ नहीं लेंगे। सेवा करेंगे। वो तो राजी ही थे। बोले हाँ ठीक है। अब वो घर में वो इतना काम उनको जानबूझकर इतना काम उन पर लाद दिया जाता और ऊपर से खूब डांट फटकार पड़ती, बात बात में फटकार। घर का अवशिष्ट अन्न जो अब मतलब जल गया या गल गया, बासी हो गया, अब कोई खाने वाला नहीं, ये दे दो नौकर को, दे दो खाने के लिए, ऐसा व्यवहार किया जाता। और अमृत के समान उसे मानकर आप ग्रहण करते और निरंतर गुरु महाराज का स्मरण करते हुए, नाम जप करते हुए सेवा करते। अपने समय के भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वान, आप सोचिए, वो राजाओं का जमाना था, यह बात 800-900 वर्ष पुरानी बात होगी। तो राजाओं के यहाँ ये कई तरह की विजय यात्रा होती थी, एक विजय यात्रा होती थी विद्वानों की, तो किस वही राजा सबसे बड़ा राजा माना जाता था जिस राजा का राजकीय पंडित दिग्विजय करके सारे भारतवर्ष के विद्वानों को जीत लेता था शास्त्रार्थ में, उस राजा को बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होता था। तो राजाओं में भी पंडितों को तैयार करने की होड़ रहा करती थी और शास्त्रार्थ की परंपराएं थीं। तो एक ये दक्षिण भारत की घटना है, एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो उसी राज्य में आए जिस राज्य में दाशरथी स्वामी अपनी गुरुपुत्री के यहाँ नौकर बन के रहते थे, और जो जामाता थे वो उस राज्य के राज पंडित थे। तो जब शास्त्रार्थ महारथी आया हाथी घोड़े लेकर के, बड़ा भारी तामझाम लेके आया, तो राजा ने कहा कि अब हमारी प्रतिष्ठा की बात है, आप करो शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ होने लग गया, कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में ग्रंथ भी उपस्थापित करने पड़ते हैं, भाई अमुक ग्रंथ में लिखा, क्या प्रमाण? ग्रंथ खोल के दिखा, तो ग्रंथ खोल के दिखाना पड़ता है, क्योंकि पंडित लोग तो संस्कृत के श्लोक बना लेते हैं ना, नाम ले दें कि अमुक ग्रंथ का है, वो श्लोक बना दें, इसलिए उनको बताओ प्राचीन ग्रंथ का प्रमाण उद्धृत करके बताओ, बताना पड़ता है। तो अब पोथी वजन लादने के लिए कोई चाहिए, तो वो नौकर ही था दाशरथी स्वामी, वही खूब बंडल पोथियों का लाद करके, पांडुलिपि हास्त की लिखी हुई चलती थी, वो सब लाद के सिर पे धर के गट्ठर चले, वहाँ बैठे। अब 7 दिन तक शास्त्रार्थ चला, कितने दिन तक? और आखिरी दिन ऐसा हुआ कि उनके जो जामाता थे उनके गुरुजी के, उनकी पंडिताई कमज़ोर पड़ने लगी, और अब ये पक्का हो गया कि अब ये शास्त्रार्थ में हार जाएंगे, विजय तो उसी पंडित की होगी, वो विद्वान ज़्यादा है, वो प्रबल हो गया। तब इन्होंने मन में सोचा कि हमको तो घर, हम तो घर के नौकर हैं, पर सेवक का धर्म है कि स्वामी की प्रतिष्ठा को बचावे, तो हम केवल चौका पोंछा झाड़ू बर्तन तक ही सीमित नहीं है, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, तो हमारी गुरु
पुत्री का पति लज्जित हो समाज में, ये तो ठीक नहीं है, सेवक का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो तुरंत आप संस्कृत में गर्ज पड़े, एक ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए हमारे स्वामी को परेशान करना बड़ी भारी जो है वो धृष्टता है। मैं नौकर हूँ, घर में झाड़ू पोछा चौका लगाता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, हमसे शास्त्रार्थ करो। और जब उन्होंने अपने प्रखर पांडित्य का दर्शन कराया और वो पंडित कांपने लग गया, उसने सोचा करी ये तो बड़े शीलवान हैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिनके घर में चौका पोछा लगाने वाले इतने बड़े प्रकांड पंडित हैं ये तो कितने बड़े विद्वान होंगे। तुरंत उसने उनके चरण पकड़ लिए और बोले महाराज मुझे पता नहीं था आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमसे बड़े हो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। अब वो तो बहुत बड़ा दिग्विजयी पंडित था जिसको उन्होंने पराजित किया दशरथी स्वामी ने, तो राजा पुरस्कार देने लगे तो उनके जामाता ने कहा कि मैं नहीं लूँगा, इनको दो, इसको दो, ये हमारे ससुर जी के यहाँ से आया है, इसको दो। बोले नहीं भैया, फौजी लड़ते हैं सीमा पर, सिपाही सैनिक लड़ते हैं कि नहीं, देश के सैनिक, हार जीत किसकी होती है, देश की होती है कि नहीं, देश हार गया देश जीत गया, देश की हार जीत होती है। अरे हम तो सेवक हैं, हमारी ना हार है ना हमारी जीत है, हम तो नौकर हैं, हम तो सेवक हैं। और उन्होंने कहा कि ये सब आपका ही, मैं तो आपका नौकर हूँ। फिर बंडल उठाकर चलने लगे, नहीं लिया सत्कार उन्होंने। जैसे घर पहुँचे बंडल लेके, जमाई बाबू बोले अब तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या, अब तक हमने नाम नहीं पूछा तुम्हारा, ए नौकर कह के बुलाते थे। बोले इस सेवक को लोग दशरथी स्वामी कहते, ओ दशरथी स्वामी, इतने बड़े विद्वान, इतने वर्षों तक हमारे घर में चौका पोंछा झाड़ू बर्तन करते रहे। कहते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि अब हम बेटी को सिरमौर बना करके घर में रखेंगे, अब हम बेटी को कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, सब सुधर गए उस घर के लोग। और दशरथी स्वामी को कहा कि नहीं अब आप जाओ। बोले ये हमारे गुरुजी को कहो। गुरुजी ने जब आज्ञा दी कि तुम आ जाओ तो आ गए। कहते हैं भगवान रंगनाथ ने प्रकट होकर उनको हृदय से लगाया कि गुरु की प्रसन्नता का ऐसा ध्यान रखने वाले शिष्य, उसको साधन करके मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं उसको हृदय से लगाने के लिए व्याकुल रहता हूँ। ये है भैया, इसलिए गुरु महाराज जहाँ, क्या करें, कहने में ऐसा होता है गुरुजी कह दें कि तुम शौचालय साफ करने की सेवा करो। हमारा ऐसा विश्वास है कि कोई यदि अपने मन में ईमानदारी से गुरु महाराज के वचनों में निष्ठा रखता हो और वो इसी सेवा में लग, इसी सेवा से उसके भीतर की गंदगी धुल जाएगी। बाहर शौचालय की सफाई करेगा लेकिन उसके भीतर की गंदगी धुल जाएगी। पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने एक घटना सुनाई थी, वो पूरी घटना तो उन्हीं के मुखारविंद से सुनने में बहुत अच्छी लगती है। कहते एक महान समर्थ महापुरुष थे, योग सिद्ध महापुरुष थे और उनके पास अनेक साधक शिष्य ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आया करते थे। एक साधक आया, कहा तुम क्यों आए हो यहाँ, कि क्या चाहते हो। उसने कहा मैं सत्य के स्वरूप का परिचय जानना चाहता हूँ, सत्य के स्वरूप को समझना चाहता हूँ। उनका ठीक है, रहो यहाँ, हमारे स्थान में संत सेवा होती है, साधु सेवा होती है, रोज तुम्हारी ड्यूटी है कि धान कूटो, धान कूट के चावल निकालो और चावल वही वो रसोई में बनेंगे भात, और वही ठाकुर जी को भोग लगेगा, वही संत पाएंगे। अब वो ऐसा काम गुरु महाराज ने दे दिया कि वहाँ बहुत संत आते थे और उस समय मिल कारखाने तो थे नहीं, मूसल से ही कूटना पड़ता था, तो धान कूटने में और उसको फटकने में, उसको अमनिया करने में उनका सारा समय चला जाता। गुरु जी ने शिष्य तो बना लिया
और काम क्या बता दिया? धान कूटने का काम, चावल निकालने का काम। ताजा चावल निकालते, सवेरे से कूटने में लग जाते तो दोपहर सवेरे के लिए, रात में तैयार कर देते सवेरे के लिए, दोपहर में लगते तो शाम के लिए तैयार कर देते, भात ही बनता था। एक साल दो साल नहीं, 18 वर्ष उनको धान कूटते कूटते हो गए। कितने साल? 18 वर्ष हो गए। और जो शिष्य थे वो तो बड़े बड़े विद्वान हो गए, क्योंकि गुरुजी से वो पढ़ते लिखते भी थे, और उनकी बड़ी प्रगति हो गई। और ये तो अपने शांत भाव से, गुरु महाराज कभी कुछ बोलते तो उसको सुन लेते, और समय मिलता तो नहीं तो अपने काम में लगे रहते, धान कूटने में लगे रहते। अब लोगों ने कहा, महाराज अब आप वृद्ध हो गए हैं, अब आप अपने सामने ही आप गद्दी पर किसी को नियुक्त करें जिससे हम लोगों का मार्गदर्शन आगे भी होता रहे। तब तमाम शिष्य थे बोले, इसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। तो उन महापुरुष ने कहा कि सत्य का क्या स्वरूप है, अपने अपने मत से सब व्याख्या करो। जो सत्य के स्वरूप को ठीक से जानेगा वही इस गद्दी को अलंकृत करके जिज्ञासुओं को सत्य का परिचय करा सकेगा। तो महाराज जी जितने पढ़े लिखे थे ना, बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े कथकड़ भाषण करने वाले, वो सब अपने लंबे चौड़े व्याख्यान देकर गुरु जी को संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन 18 साल तक धान कूटने वाले साधक ने एक वाक्य में सत्य का प्रकाश कर दिया। और उस शिष्य ने और कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, उसने कहा सत्यम ब्रह्म, बस इतना ही, जगन मिथ्या नहीं, सत्यम ब्रह्म, और ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं, यही सत्य का स्वरूप है। गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, कहते अपनी पाग बांधी और अपनी गुदड़ी उड़ा दी, बोले अब तुम हमारे स्वरूप हो गए। गुरु महाराज जहां आज्ञा दें, अभी हमने ठीक से इस बात को बता नहीं पाया, महाराज जी बहुत बढ़िया से इसको बताते हैं। अहंकार शून्य होकर के साधन करे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के दरवाजे द्वार तक तो हम लोग पहुंच जाते हैं गुरु कृपा से, संत कृपा से, और द्वार तक पहुंचने के बाद भी दो बाधाएं हम लोगों के सामने आ जाती हैं। ये दो बाधाएं द्वार खुलने नहीं देती हैं, पट बंद रहते हैं, पट खुलते नहीं हैं। अब यहां से आप गोमुख तक चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, पट ना खुले तो पैदल चल के जाने में कितनी परेशानी है, बड़े बड़े पहाड़ लांग के जाना। हम तो गाड़ी से परेशान हो जाते, हमारे महात्मा लोग तो सब पैदल जाते हैं कहाँ कहाँ, कितने श्रम का काम है। इतना साधन करके वहाँ तक भगवत कृपा से, गुरु कृपा से पहुँचे, और फिर द्वार बंद मिले। मीरा जी ने तो कहा पलक उघाड़ो दीना नाथ, थे तो पलक उघाड़ो दीना नाथ, ये दासी कद की खड़ी। अब द्वार खोलो, पलक उघाड़ो, पट उघाड़ो। ये पट क्या है जिसके कारण भगवान की प्राप्ति के द्वार बंद रहते हैं? ये है अहंकार और ममकार। मैं और मेरा, यही भगवान के कपाट हैं। अरे मैं और मेरापन कैसे दूर हो? तो मैंपन कैसे दूर होगा? अब लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, सरल से सरल और संक्षिप्त व्याख्या करेंगे।
यह अभिमान जाये जनि भोरे में सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, वो भगवान मेरे स्वामी हैं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, बस मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इसी से अहंकार और ममकार की शुद्धि हो जाएगी और फिर भगवान की कृपा करुणा का द्वार खुल जाएगा। और द्वार खुलते ही श्री प्रिया प्रीतम से भगवान से मिलन हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से उसे साधन करना चाहिए। अब कहना तो हम बहुत कुछ आगे चाहते थे, लेकिन अब समय अधिक हो रहा है और आज थोड़ा कल रात्रि भी थोड़े विश्राम तो समय से चले गए थे, लेकिन वह अभ्यास ऐसा पड़ गया कि नींद तो वही आई जो समय से आती है, और सवेरे लगभग 2:30 बजे जग गए। दिन में भी विश्राम थोड़ा बहुत कम हुआ, तो अब हम विचार करते हैं कि 6:15 हो रहा है, यहीं विराम कर देते हैं। आगे के जो श्लोक हैं उनकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। कल श्री गंगा दशहरा का महान पर्व है। हरंति 10 पापानी तस्मा 10 हरा स्मृता। 10 प्रकार के पापों में ही समस्त पापों का समावेश हो जाता है, और 10ों प्रकार के पाप इस तिथि पर गंगा स्नान करने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसको दशहरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशहरा, 10 को हरण करने वाला, 10 विध पापों को दोषों को दूर करने वाला। ये गंगा जी हैं, सबको कल की तिथि पर तो सबको जरूर गंगा स्नान करना। ठंडा तो है, लेकिन कोई बात नहीं, ठंडा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम्बल अम्बल ओढ़ के बैठ जाना हाँ, और क्या है, थोड़ी गरम गरम काढ़ा चाय पी लेना। चाय तो हम पीते नहीं, इसलिए समर्थन भी नहीं करते, पर काढ़ा वाढ़ा पी के जो भी आप पीते हो उसको पी करके, काढ़ा वगैरह पी के शरीर गर्म कर सकते हो, लेकिन कल तो ज़रूर स्नान करना चाहिए। गंगा जी का महान पर्व है और ऐसा सौभाग्य कहाँ, यहाँ जो स्नान है ना उसको आप गंगोत्री धाम का ही स्नान समझें। ये गंगोत्री ही है, गंगोत्री क्षेत्र है, गंगोत्री से सीधी अविरल निर्मल गंगा यहाँ आ रही है। इसके बाद मनेरी डैम है, इसके पहले गंगा जी का कोई बंधन नहीं है, बांध नहीं है, सीधी भगवती भागीरथी गोमुख से चलकर यहाँ आ रही है। इस समय तो यात्रा चल रही है तो समय लगता नहीं, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है गंगोत्री, 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। ऐसी जगह में हम लोग बैठे, तो ये गंगोत्री का ही जल है, गंगोत्री ही है। तो यहाँ कल जो भी श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वो अपने मन में यही समझें कि हम गंगोत्री में स्नान कर रहे हैं, गोमुख में स्नान कर रहे हैं। तो भगवान ने चाहा तो कल धूप निकल आएगी, जैसे आज बढ़िया धूप निकल आई थी, धूप भी निकल आएगी। और कल शाम को 3 बजे से वहाँ कार्य शुरू होगा सत्संग का, वहीं सत्संग होगा कल, वहीं पूजन होगा, वहीं आरती भी होनी है कल, वहीं सत्संग, वहीं पूजन, वहीं आरती होगी। गंगा जी का सहस्रार्चन भी होगा और उनका पूजन भी होगा, आरती भी होगी, कथा भी होनी है। तो कल का दिन भी बहुत व्यस्त है। जो लोग भी बाहर से आए हुए हैं वो निवास तो जहाँ जिसकी सुविधा है वहाँ करें, पर सबको बाल भोग यहीं करना है और मध्यान्ह राजभोग भी सबको प्रसाद यहीं पाना है, बालभोग प्रसाद यहीं लेना, राजभोग प्रसाद यहीं लेना, और सबको ब्यारू भी यहीं करनी। और जो लोग अति सामान्य व्यवस्था में ठहर सकते हैं वो तो अपने हॉल में है ही हैं, आनंद से हैं, तो वो लोग वहाँ रहें। कल विशिष्ट आरती, जैसे कल आप लोगों ने गंगा जी की आरती का दर्शन किया,
तो कल यहाँ श्री गंगा जी की वाराणसी से जो दशाश्वमेध की आरती में जो आरती करते हैं वही विप्र देवता, दो विप्र देवता वहाँ से आए हुए हैं, और कल भी आरती का दर्शन आप लोगों ने किया ही। कल हम लोग श्री गंगा जी के तट पर ही आरती का दर्शन करेंगे, सब लोग आरती में सम्मिलित रहेंगे और मर्यादा को ठीक से बना करके रखेंगे, और आरती के बाद सब लोग प्रसाद पाएंगे। मध्याह्न में तो जो प्रसाद है वो तो है ही है, पर भंडारा कल का, कल शाम को शयन आरती के बाद है, भंडारा जिसको कहते हैं, तो भंडारा जो होगा वो कल शयन आरती के, जो गंगा जी की आरती के बाद फिर सबकी ब्यारू होगी, उसमें आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय जय श्री राधे, हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् गुरुः शरणम् श्री सद्गुरुदेव भगवान की। त्रिभुवन पावनी, पतित पावनी श्री भगवती भागीरथी गंगा की। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। श्री कंडार देवता की जय। श्री उत्तरकाशी विश्वनाथ भगवान की जय। Yeah.